हाय एवरीवन और स्वागत है आपका डीकोड C++ बैच के अंदर। अभी तक हमने सॉर्टिंग पढ़ ली है और आज से हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इस हफ्ते का हमारा टॉपिक रहने वाला है और उसके अलावा हम और कुछ नहीं पढ़ेंगे, पर हाँ इसमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट ज़रूर आपके यूज़ आ सकते हैं। बाइनरी सर्च एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे खुद के यार इंटरव्यूज़ में, जो मेरे 2 या 3 इंटरव्यूज़ मैंने दिए थे, 3 इंटरव्यूज़, तो तीनों इंटरव्यूज़ में यार मेरे से मतलब मर्ज सॉर्ट और कहीं ना कहीं बाइनरी सर्च ये सारी चीज़ें ना पूछी गई थी और हर बार पूछी गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब इम्पॉर्टेंट तो देखो है। और बाइनरी सर्च यार एक ऐसी टेक्निक है जो ऑप्टिमाइज़ करती है सर्चिंग को। ऑप्टिमाइज़ वर्ड हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, उसी बेसिस पे हमने सॉर्टिंग पढ़ी, अब हम सर्चिंग पढ़ेंगे। तो अब हमें अच्छे से आता है कि कैसे टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, आज वही हम देखने वाले हैं। और आज आपको हम बताएंगे कि कैसे सर्चिंग बाइनरी सर्च से कितना आसान हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार बिल्कुल अपने इस लेक्चर को शानदार से। लेक्चर नंबर 24 पे है हम, और सबसे पहले एक काम करते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं और अपना आज का फोल्डर बना लेते हैं। तो C++ प्रोग्रामिंग में आइए एंड यहाँ पर लिख लीजिए, फोल्डर बना लो बाइनरी या बी सर्च पार्ट 1। ठीक है, और फिर अपना यार आप खोल लो VS कोड, तो विजुअल स्टूडियो कोड को खोल लो। ठीक है, C++ प्रोग्रामिंग एंड यहाँ पे वेलकम को हटाओ, कहीं ना कहीं होगा बाइनरी सर्च, ये रहा B Search 1। ठीक है, इसके अंदर हम एक नई फाइल बना लेंगे, लेकिन उससे पहले अभी आराम से 10-15 मिनट समझते हैं कि बाइनरी सर्च होता क्या है। ठीक है, इधर आ जाते हैं, वॉट एंड वाई। अब मान लीजिए आपके पास एक एरे है, आपके पास एक एरे है, एरे कुछ ऐसा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 1, 2, 4, 5, 9, 15, ठीक है 15, 18, 21, ठीक है ये एरे दे रखा है आपको। ठीक है, आपको एक एरे दे रखा है और आपको एक टारगेट वैल्यू दे रखी है। टारगेट मान लीजिए, फॉर एग्जांपल टारगेट मेरा है 18, तो मुझे बताना है कि ये जो 18 है ये इस एरे के अंदर लाए करता है या फिर नहीं करता है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एरे में क्या कहते हैं सॉल्व कर चुके हैं कि फाइंड द टारगेट करके हमने एक प्रॉब्लम देखी थी। अगर मेरे पास एक नंबर है, बस मुझे बताना है कि वो एरे में है या फिर नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे, हम पूरा एक लूप लगाएंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हम सीधा लिखेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और हम एक फ्लैग बना लेंगे, हम चेकमार्क रख लेंगे सीधा। ठीक है, हम फ्लैग बना लेंगे, बूल फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। पहले से हम मान के चलते हैं कि हमारे एरे के अंदर नॉट प्रेजेंट, ठीक है टारगेट नहीं है, मान लेते हैं टारगेट नॉट प्रेजेंट। ठीक है, फिर मैं सीधा लूप लगा सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि अगर कभी भी ARR(i) बराबर टारगेट है, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं यार, सिंपल दो काम करो, एक तो फ्लैग को बना दो ट्रू कि भाई है प्रेजेंट, और आप ब्रेक भी लगा दो। इनफैक्ट ब्रेक भी क्या, ब्रेक के साथ साथ आप एक काम करो, आप इसके इंडेक्स को भी स्टोर करा सकते हो। जैसे मान लीजिए, ये तो एक छोटा क्वेश्चन हो गया, ये देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि अगर फ्लैग ट्रू है इसका मतलब टारगेट प्रेजेंट है, फ्लैग फॉल्स है पूरे एरे में ट्रैवल करने के बाद भी नहीं मिला तो एब्सेंट है। साथ ही साथ हम एक इंडेक्स भी मेंटेन कर सकते हैं कि किस इंडेक्स पे, मान लीजिए हमें बताना है कि 18 प्रेजेंट है या नहीं है पहले ये बताओ, और अगर प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स बताओ, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मुझे ये भी रिटर्न करना है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन यार अगर मैं आपसे बोलूँ क्या हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बता सकते हो कितनी है, बहुत सिंपल है। ब्रेक को हम ऐसे में कंसिडर इतना नहीं करते, हम बस ये देखेंगे 0 से लेकर n तक जा रहा है एक लूप, तो मैं बोलूँगा वेरी वेरी सिंपल, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, वेरी वेरी सिंपल राइट। एक बार पूरा कोड भी आपके सामने लिख लेता हूँ, कहीं आपके दिमाग में ही नहीं चल रहा हो। ठीक है, तो बस आपको ये करना है कि भाई अगर फ्लैग ट्रू हुआ तो ठीक है भाई, प्रिंट करा दो प्रेजेंट है, प्रिंट करा दो भाई कि टारगेट इज प्रेजेंट, एल्स आप लिख सकते हो टारगेट एब्सेंट। ठीक है, प्रिंट करा देना ना सीधा, ये लो यार एल्स, सी आउट नॉट प्रेजेंट या एब्सेंट, कैसे भी लिख दो,
एलिमेंट नॉट फाउंड, हम ये कर चुके हैं क्वेश्चन एरे के अंदर पहले से ही। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान दो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास 100,000 एलिमेंट्स हैं तो वर्स्ट केस के अंदर आपको पूरा एरे सर्च करना पड़ सकता है, हो सकता है लास्ट एलिमेंट ही वो एलिमेंट हो जो आपको चाहिए था। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसे तो हम उल्टा भी चल सकते हैं, लेकिन वही बात है ना, मिडल अगर एलिमेंट हुआ तो, राइट, समझ रहे हो मेरी बात। वर्स्ट केस में अगर आपके पास 100,000 एलिमेंट्स है मान लीजिए एरे के अंदर, तो आप यार 100,000 बार सर्च करोगे, आपका ऑर्डर ऑफ 100,000 हो जाएगा। मतलब वैसे तो ओ ऑफ एन है बिग ओ ऑफ एन, लेकिन फिर भी जितना बड़ा मेरा साइज है लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम कहते हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च कि मतलब अगर मेरा इनपुट एन है, मतलब एन मेरा सर्च स्पेस है, इसको हम कहते हैं सर्च स्पेस। ठीक है, सर्च स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सर्च स्पेस का मतलब कोई भी ऐसा एरे या कोई भी चीज़ जहाँ पे मैं अपने एलिमेंट को सर्च कर रहा हूँ, सिंपल, सर्च सर्च करने का स्पेस। ठीक है, और तो कुछ इसमें है ही नहीं। और लीनियर सर्च का बेसिकली मतलब होता है, ये एल्गोरिदम लीनियर सर्च कहलाता है कि हम लीनियरली एक एक एलिमेंट को ट्रैवल कर रहे हैं। अगर मेरा इनपुट एन है तो मैं एन बार ही ऑलमोस्ट ट्रैवल कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे यार कि भाई बाइनरी सर्च एल्गोरिदम क्या होता है और क्यों हम बाइनरी सर्च यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो यार आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे जो मैंने एरे बनाया है ये सॉर्टेड एरे है और हम सॉर्टिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सॉर्टेड एरे का क्या मतलब होता है यार हमारा? सॉर्टेड का मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड। अगर सिर्फ सॉर्टेड बोला है, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड बोला हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो होता क्या है कि जब भी मेरे पास या तो असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स हो तो ही मैं बाइनरी सर्च को लगा सकता हूँ। लीनियर सर्च में कभी भी लगा सकता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 20 भी लिखा होता है, यहाँ पे 41, तो भी फर्क नहीं पड़ता, सारे एलिमेंट सर्च हो रहे 18 मिल जाएगा। अब बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम सबसे पहली बात तो वर्क्स ओनली इफ एरे इज सॉर्टेड, और दोनों मतलब असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो एक ही दोनों में हो सकता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो, असेंडिंग डिसेंडिंग जैसा मर्जी हो, हम बाइनरी सर्च को लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम देखने वाले हैं कि अगर हमारा नॉर्मल सॉर्टेड एरे है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में एरे है, जैसे आ जाते हैं इस एरे पे, अब सेम आपको एग्जांपल समझाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बाइनरी सर्च इतना बेहतरीन है। यहाँ पे आ जाते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अब अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ सिर्फ इसमें, तो मेरे को पता है ऑर्डर ऑफ एन है। अगर मैं बस रफली ये बात करूं कि इसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं, तो आप देख सकते हो सिर्फ इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए, अगर टारगेट 18 है तो मैं बोलूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चलो तो 7 ऑपरेशंस लगे 18 को निकालने के लिए। 21 के लिए 8 लगते, 2 के लिए 2 लगते, सिमिलरली। ठीक है, अभी के लिए मैं 18 की अगर बात करूं तो 7 ऑपरेशंस, यहां पे समझना मैं क्या कह रहा हूं, बस एक बार रुक जाओ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि वापस मेरा जो टारगेट है ना यार, टारगेट एलिमेंट मेरा भाई 18 है, मैं चाहता हूँ और मुझे दे रखा है कि जो एरे है वो सॉर्टेड है। अब इसमें ढूंढ के बताओ और ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बताओ, जैसे लॉग एन, इसके अंदर होती है लॉग एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगी। अब क्यों होती है, कैसे होती है बताऊंगा बस थोड़ी देर में, लेकिन आप सब जानते हो कि लॉग एन इज लेस देन एन, राइट? तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन बिग ओ ऑफ लॉग एन इज लेस देन बिग ओ ऑफ एन, ये मैंने थोड़ा बहुत बताया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो ये एक तरीके से बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है सिर्फ लॉग एन, जैसे हम काफ़ी बार एन लॉग एन इज बेटर देन, इट इज़ बेटर देन एन स्क्वायर, मतलब इट इज़ फास्टर, नॉट बेटर, आई वुड से फास्टर, मतलब कम, जितने कम ऑपरेशंस लगेंगे, जितने मतलब लॉग एन छोटा है एन से, यानी कि कम ऑपरेशंस, यानी कि बेटर। ठीक है, फास्ट। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, पता है मेरा एल्गोरिदम क्या रहने वाला है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यार ये एल्गोरिदम वर्क करता है एरे की इंडिसेस के ऊपर मोस्टली, मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं है लेकिन अभी के लिए। तो इंडिसेस लिख दो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एल्गोरिदम मेरा ये कहता है कि मैं एक तो लो पॉइंटर मेंटेन करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ कोड में, इंट लो इज इक्वल टू 0, और फिर मैं लिखूँगा इंट हाई, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, सिर्फ हाई भी लिख सकते हो, इंट हाई इज इक्वल टू एन माइनस 1, यानी कि लास्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर 7 है, 8 साइज है एरे का, तो यहाँ पे मैं मेंटेन करूँगा अपने हाई को। अब मेरा हमेशा स्टेप पता है क्या रहता है, बड़े ध्यान से देखना, मैं लूप चलाते रहूँगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, यहाँ पे लिखूँगा, समझ लो सिर्फ लूप है मेरा। ठीक है, एक लूप चलेगा, वाइल लूप, इसके अंदर मैं बताऊँगा क्या क्या होगा। लूप के अंदर हम पता है क्या क्या देखेंगे, बेसिकली एल्गोरिदम हमारा क्या क्या कहता है
कि मैं सबसे पहले चेक करूंगा, मैं एक मिडल एलिमेंट निकालूंगा हमेशा, मैं हमेशा एक मिडल एलिमेंट निकालूंगा, इंट मिडल एलिमेंट। मिडल एलिमेंट क्या होगा? मिडल इज इक्वल टू लो प्लस हाई अपॉन टू, ये बेसिकली मिडल इंडेक्स होगा। मतलब जैसे फॉर दिस केस अगर मैं इसकी बात करूँ, लो मेरा क्या है यार, लो मेरा 1 है, हाई मेरा 21 नहीं है 7 है, और लो मेरा 0 है, ठीक है। तो लो अगर मेरा 0 है, हाई अभी के लिए मेरा 7 है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मिड कितना बन जाएगा, 0 प्लस 7 बाय 2 यानी कि 3.5 यानी कि 3 इंटीजर है ना, क्योंकि एक तो मिड मान लीजिए मेरा अभी के लिए 3 हो गया, तो मेरा मिड आ गया इधर। बड़े ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे आ गया मिड, समझना। लो इधर है, हाई सेवन्थ इंडेक्स पे है, ये आ गया थर्ड इंडेक्स पे। अब मेरे को क्या करना है, हर समय मेरे को बस ये चीज़ देखनी है, क्या मेरा जो मिडल एलिमेंट पे, मिडल इंडेक्स पे, 3 पे जो एलिमेंट पड़ा है, क्या वो बराबर है, क्या ये देखो, क्या मेरा जो ARR ऑफ मिडल इंडेक्स वो टारगेट के बराबर है, वो क्या टारगेट के बराबर है। अगर है तो बहुत बढ़िया, हमें वैल्यू मिल गई, रिटर्न ट्रू, मतलब मेरे को मिल गई वैल्यू, ठीक है। अगर नहीं है तो दो चीज़ें हो सकती है, समझना इस बात को। जैसे ये जो 5 है, थर्ड इंडेक्स पे 5 पड़ा है, अब मेरा टारगेट है 18, तो ये कोई भी वैल्यू हो, मान ली ये x है, या तो ये x मेरा बराबर हो सकता है 18 के, या x ज़्यादा हो सकता है 18 से, या x छोटा हो सकता है। क्या इसके अलावा और कोई केस हो सकता है? नहीं, x अगर एक नंबर है तो वो या तो 18 के बराबर होगा, या बड़ा होगा, या छोटा होगा। अगर बराबर हुआ तो बहुत ही बढ़िया, मतलब हमें अपना टारगेट मिल गया, ख़त्म। फिर तो इसके अलावा क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि भाई जो मेरे को वैल्यू मिली है ना यार, वो हो सकती है छोटी टारगेट से। तो क्या करे ऐसे केस में, क्या करे? जैसे मैंने देखा जो 5 है वो तो यार 18 वैल्यू से मेरी छोटी है। अब एक बात बताओ यार, ये एक सॉर्टेड एरे है, ये एक सॉर्टेड एरे है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स हैं। तो काफ़ी ऑब्वियस सी बात नहीं है कि अगर ये एलिमेंट 5 है तो ये बचे हुए एलिमेंट 5 से तो छोटे ही होंगे। क्या पता हो सकता है ये -2 होता, ये -11 होता, ये होता मेरा क्या कहते हैं 3 होता, ठीक है। तो भी ये सॉर्टेड ऑर्डर ही तो है, समझना। ये सारे एलिमेंट सॉर्टेड का क्या मतलब है कि इससे पहले जितने भी एलिमेंट है वो इससे छोटे हैं, और इसके बाद जितने भी एलिमेंट है वो इससे, ये ग्रेटर देन 5 है, ये लेस देन 5 है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना, जो एलिमेंट मैं सर्च करने वाला हूँ, अगर मैंने ये देखा कि जो मेरा एलिमेंट है वो बड़ा है इस गिवन एलिमेंट 5 से, तो इसका साफ मतलब है कि अब मेरे को वो यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल ही नहीं सकता। इसको मैं कहता हूँ रिडक्शन इन सर्च स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं सिंपल क्या बोलूँगा, जब मैंने देखा जैसे मेरा ये वाला केस अभी के लिए हिट कर रहा है, यहाँ पे 5 है, 5 मेरा 18 से छोटा है, तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ तो मेरे को मिल ही नहीं सकता अपना 18, जो भी टारगेट है यहाँ पे तो मिल ही नहीं सकता। तो अब मेरा जो बचा हुआ सर्च स्पेस है, बचा हुआ एरे इतना है, ठीक है। अब मेरे को इसमें सर्च करना है, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो काम हो रहा है ये बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये मेरा बचा हुआ एरे है, तो मैं एक काम करूँगा, अपने लो को ले आऊँगा यहाँ पे, ठीक है, जस्ट मिड के आगे, क्योंकि अब आगे वाला जो एरे है मिडल एलिमेंट के आगे से लेकर एंड तक कोई भी वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं ये लिखूँगा, बड़े ध्यान से समझना, मैं लिखूँगा लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। ये देखो अगर टारगेट है तो सीधा कर दो रिटर्न ट्रू, यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न ट्रू, ठीक है। अगर टारगेट के बराबर है तो सीधा लिख देंगे हम रिटर्न ट्रू, ठीक है, वरना मैं क्या कहूँगा लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, चलिए उसके बारे में देखते हैं यार। अब यहाँ पे मैं ये कहता हूँ ये मेरा पूरा इंडेक्स है, तो वापस से मेरा मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाय 2। अब लो है मेरा 4, हाई है मेरा 7, तो 4 प्लस 7 बाय 2 यानी कि 11 बाय 2 यानी कि 5। तो मिड भी मेरा वापस से आ जाएगा यहाँ पे 5, मिडल में आ गया, काइंड ऑफ लेफ्ट मिडल में आ गया। अब मैं वापस से देखूंगा क्या ये जो एलिमेंट है 15 या 18 के बराबर है, नहीं। आगे देखो, क्या ये जो एलिमेंट है 15 क्या ये 18 से छोटा है, हाँ, तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। लो को ले आओ यहाँ पे, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही, ठीक है। अब मैं वापस से क्या करूँगा यार, एक तीसरी कंडीशन भी लगेगी, बताऊँगा आपको। अब वापस से मैं अपने मिडल को कैलकुलेट करूँगा, मिडल इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाय 2। लो है मेरा 6, हाई है मेरा 7 अपॉन 2, 13 बाय 2, 6.5 यानी कि 6। तो मिडल भी इधर ही आ गया, बेसिकली मान लो लो पे ही आ गया,
बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे देखूंगा क्या जो ARR ऑफ मिडल है टारगेट के बराबर है। यस 18 = 18, तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, खत्म क्वेश्चन, बिल्कुल सही हो गया। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ समझ आ रही होगी यहाँ पे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ यहाँ से समझ आई है आपको, अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। मान लेते हैं कि मेरा एलिमेंट टारगेट जो था वो 9 था। मान लेते हैं मेरा जो टारगेट एलिमेंट है दैट इज इक्वल टू आई वुड से 9। ठीक है, एंड एक और अपना एलिमेंट को ना बढ़ा देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 24। एरे बढ़ा देता हूँ, आपके सामने कुछ चीज़ करके दिखाता हूँ मैं। हम एक काम करेंगे कि ठीक है, टारगेट 15 कर देते हैं अब अपना ना, एक काम करते हैं, बहुत बढ़िया, टारगेट इज 15। ठीक है, एंड वापस से अपने कोड को समझते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, एक बारी के लिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एरे है, ये देखिए बड़े धैर्य बनाए रखे यहाँ पे। ठीक है भाई, अब देखिए ये मेरे पास एक एरे है 1 2 3 सॉर्टेड है। मेरे पास टोटल 8 इंडेक्स है, 9 साइज का एरे है। तो मैं ये तो हमेशा करूँगा, लो को मैं रख दूंगा सबसे पहले 0 पे इनिशियली, हाई को मैं रख दूंगा बिल्कुल एंड पे 8 पे। फिर मैं हमेशा क्या करूँगा, मैं एक लूप लगाऊंगा, लूप के अंदर ये सारा काम करूँगा। ठीक है, जितना भी ये 3 काम हो गया, अभी एक और काम होगा, ये लूप के अंदर होगा। मैं हर समय क्या करूँगा, मिडल कैलकुलेट करूँगा, मिडल इंडेक्स इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाय 2, तो 0 प्लस 8 बाय 2 यानी कि 4, तो 0 प्लस 8 4, तो मिडल को ले आओ 4 पे। ठीक है, फोर्थ इंडेक्स पे, बहुत बढ़िया। अब मैं चेक करूँगा क्या ARR ऑफ मिडल टारगेट के बराबर है, क्या ये 9 टारगेट के बराबर है, नहीं है, तो ठीक है आगे बढ़ो। क्या जो ये 9 है ये 15 से छोटा है, हाँ बिल्कुल है, तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, लो को ले आओ यहाँ पे। ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ते हैं यार। अब यहाँ पे देखते हैं इंट मिडल, वापस से मैं मिडल को वापस से निकालूंगा, लो प्लस हाई बाय 2, लो है मेरा 5, हाई है मेरा 8, तो 5 प्लस 8 बाय 2 यानी कि 13 बाय 2 यानी कि 6, यानी कि 6, तो मेरा मिडल आ गया इधर, मेरा मिडल आ गया इधर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं वापस से देखूंगा क्या मिडल वाला जो एलिमेंट है 18 वो 15 के बराबर है, टारगेट के बराबर है, नहीं। अब आगे बढ़ो, क्या मेरा जो ARR ऑफ मिडल है यानी कि ये 18 तो वैल्यू है, क्या वो छोटी है 15 से, नहीं। तो अब हमारा तीसरा केस भी तो देखते हैं जो हमने अभी तक नहीं देखा, ऐसा भी तो हो सकता है, या तो बराबर है या छोटी है या बड़ी है। ये जो मिडल पे मेरे को वैल्यू मिली है, क्या पता ये मेरी गिवन टारगेट से बड़ी हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ ये जो 18 है ये तो 15 से बड़ा है। ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में आप लिखोगे हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1। ठीक है, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1। अब आपको एक बार वापस से ये समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। ये देखो मेरा एल्गोरिदम रहेगा हमेशा, मिल गया तो ठीक है, अगर एलिमेंट छोटा है तो लो को आगे ले आओ, अगर ये जो एलिमेंट है टारगेट से बड़ा है तो हाई को पीछे ले आओ। अब मैं समझाता हूँ ये हो क्यों रहा है, एक बार फटाफट वापस से देखते हैं इसी एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो ये देखिए लो है मेरा 0 पे, हाई है मेरा 8 पे, टारगेट है मेरा 15। पहले मैं मिड को ले आता हूँ 4 पे, ठीक है यहाँ पे ले आया। फिर मैं चेक करा, मैंने यहाँ पे ये चेक किया क्या मिडल वाला टारगेट के बराबर है, क्या 9 मेरा 15 के बराबर है, नहीं। फिर मैंने देखा क्या 9 15 से छोटा है, हाँ। अगर मेरा 9 15 जो टारगेट है उससे छोटा है, इसका मतलब 9 के साथ साथ जितने भी एलिमेंट्स उससे लेफ्ट पे है, 9 के साथ साथ जितने भी एलिमेंट उससे लेफ्ट पे है वो और भी छोटे होंगे, तो मेरा सर्च स्पेस रिड्यूस हो जाएगा। ये देखो इतने एलिमेंट्स में तो मेरे को अपना नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अब जैसे ही ये सर्च स्पेस ख़त्म हुआ तो इतना एरे बचा, तो मैं अपने लो को यहाँ ले आऊँगा, इसलिए मैं कहता हूँ लो इज इक्वल टू मिड से जस्ट एक आगे। ये देखिए राइट, इसलिए ये लिखा। अब आगे देखते हैं यार, अब ये तो चीज़ चलेगी नहीं क्योंकि अगेन मेरा मिड अभी के लिए यहीं था, 9 पे है ना, तो 9 के टारगेट से बड़ा है, नहीं। ठीक है, अब मैं वापस से इधर आ गया, मिडल इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाय 2, लो है 5, हाई है 8, तो मेरा मिडल एक बारी के लिए कितना बन गया, मिडल इज इक्वल टू 5 प्लस 8 बाय 2 यानी कि 13 बाय 2 यानी कि 6, तो मिडल को ले आओ यहाँ पे 6 पे। अब चेक करो क्या मिडल टारगेट के बराबर है, 18 15 के बराबर है, नहीं। क्या 18 छोटा है 15 से, नहीं। क्या 18 15 से बड़ा है, हाँ। तो अगर 18 भी 15 से बड़ा एलिमेंट है तो 18 और उसके आगे जितने भी एलिमेंट है वो भी 15 से बड़े होंगे, समझने की कोशिश करो। अगर 18 ही 15 से बड़ा है तो इसके आगे जो भी है वो भी 15 से बड़ा है, तो
हाई इज इक्वल टू मिड प्लस वन इसलिए क्योंकि अगर यही नहीं है, इसके आगे भी नहीं है, तो इनमें से कुछ नहीं हो सकता। सर्च स्पेस रिड्यूस तो मैं कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को अब यहाँ भी नहीं मिल सकता कुछ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मिड है उससे जस्ट पहले सर्च करूँगा फिर, क्योंकि मिड और उसके आगे तो नहीं मिलेगा। तो मैं लिखूँगा हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, तो हाई मैं ले आऊँगा यहाँ पे, ठीक है, इधर ले आया, बहुत बढ़िया। अब मैंने वापस से देखा मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाय टू, लो और हाई दोनों सेम है, तो पाँच ही आ गया मिड, तो मिड भी इधर ही आ गया यार, मिड भी अराउंड इसी पर आ गया मेरा। अब मैंने सर्च किया क्या मिड टारगेट के बराबर है, हाँ। इस एल्गोरिदम से फ़ायदा क्या हुआ, अगर मैं पिछले एल्गोरिदम की बात करूं जिसमें सारे एलिमेंट्स को सर्च करते हैं, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 ऑपरेशंस लगे एक बार के लिए, आप ये कह सकते हो। लेकिन जब मैंने ये वाली चीज़ करी तो क्या हुआ, पहले लो इधर था, हाई इधर था, मैंने सबसे पहले निकाला मिड इधर, तो एक ऑपरेशन हुआ, मैंने कहा नहीं है तो कोई बात नहीं, इन सबको हटा दो। फिर मैंने क्या किया, अपना लो इधर बना दिया, हाई इधर बना दिया, मिड इधर आ गया। फिर मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ, मैंने क्या किया, मिड ये है इसके बराबर है, नहीं कोई बात नहीं, तो मैंने हाई इधर बना दिया। और फिर तीसरे ऑपरेशन में काम हो गया, तो आधा टाइम लगा, और कई बार आधा भी नहीं, कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ ऐसा है कि मेरे पास 100,000 एलिमेंट्स हैं, 100,000 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए किसी किसी पर्टिकुलर पोजिशन पर 25,000 जहाँ है वहाँ पर मेरे को अराउंड लगभग 25K के अराउंड मेरे को अपना वो एलिमेंट मिलता है, 25K के अराउंड मेरे को अपना वो एलिमेंट मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं लीनियर सर्च करूँ तो मेरे को स्टार्टिंग से देखूँगा तो 25,000 बार सर्च करना पड़ेगा, पर बाइनरी में पता है क्या हो रहा है, आप नोटिस करो, हर बार हमारा सर्च स्पेस आधे से रिड्यूस हो रहा है, हाफ से भी ज़्यादा। जैसे जब हमने पहले 15 देखा तो पूरा आधा एरे ही हट गया, क्योंकि हम मिडल पे आते हैं हमेशा। अब जैसे बचा मेरा ये एरे, इसके भी हम मिडल पे आएंगे हमेशा, ठीक है। तो ये भी ऐसा सीन हुआ था, जब ये एरे था ना तो मैं इसके मिडल पे आया, तो उसकी वजह से या तो ये गायब हो जाएगा पूरा या ये, तो हर समय मेरा स्पेस आधा होता जा रहा है हर समय, ठीक है। तो एक बात बताओ, बाइनरी सर्च में अगर मान लो 100,000 एलिमेंट्स हैं, तो आफ्टर वन ऑपरेशन, इस एरो का मतलब है आफ्टर वन ऑपरेशन, वन सिर्फ वन, आफ्टर वन ऑपरेशन 50,000 एलिमेंट्स बचेंगे, आफ्टर एक और ऑपरेशंस 25,000 एलिमेंट बचेंगे, आफ्टर एक और ऑपरेशंस 12,000 बचेंगे, 12.5 या 12, एक ही बात मान लो उसको, ठीक है, ठीक है। फिर आफ्टर एक और ऑपरेशंस, चलो 12.5 ही ले लेते हैं कहीं आपको लगे, ठीक है, एक और ऑपरेशन के बाद 6.25K बचेंगे हमारे एलिमेंट्स, चलो एक और ऑपरेशन ले लो तो 3.125K इतने मेरे एलिमेंट्स बचेंगे 100,000 में से, ये देखो अब इतने से ही बचे। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि अगर मैं कहता हूं कि इधर मेरा आंसर आ रहा है, तो लीनियर सर्च से अराउंड 25K ऑपरेशंस लगेंगे, यानी कि 25,000 ऑपरेशंस मेरे लग रहे हैं। लेकिन बाइनरी सर्च से नोटिस करो एक बात, एक ऑपरेशन के बाद ये एक ऑपरेशन है बस, इतने एलिमेंट बचे 2 3 4 5, केवल 5 ऑपरेशन से ही सिर्फ 3,000 एलिमेंट बच गए। तो मान लीजिए मेरे को इन सबको भी देखना है, तो 3,000 देखूंगा ना मैं, 25,000 नहीं देखूंगा ना, तो टोटल कितना हुआ 3,000 प्लस 5। लेकिन यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, इसका आधा करेंगे यार, ये देखो, इसको अगर मैं आधा करता हूँ तो कितना आ जाएगा यार, इसको अगर एक और ऑपरेशन के बाद अराउंड 1,500 बचेंगे, मान लीजिए रफली अराउंड 1,500, एक और के बाद 750 बचेंगे सिर्फ, एक और के बाद 375 बचेंगे, फिर ऑलमोस्ट समझ लो आपका कहते हैं 360 मान लो 180 190 अराउंड समझ लो, इतना इतने बचे, समझ रहे हो ना कितने कम होते जा रहे हैं। अब एक और चीज़ देखो, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये 190 के बाद आपका बच जाएगा आधा, हो रहा है ना हर बार सर्च स्पेस, तो मान लीजिए 95 100 ही मान लो, चलो ठीक है, इसका आधा करो 50, इसका आधा करो 25, इसका आधा करो ऑलमोस्ट 12, इसका आधा करो 6, इसका आधा करो 3, इसका आधा करो 2 या 1 बचेगा, क्योंकि ठीक है चलो 2 ही मान लो एक बार के लिए, फिर भी 1, तो जब एक ही एलिमेंट बचा तो मिल गया ना वो एलिमेंट मेरे को, मिल गया ना, कितने ऑपरेशंस लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मैक्सिमम 17 ऑपरेशंस लगेंगे, 17 ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑपरेशंस कह रहा हूँ भाई मैं, ये
जबकि यहाँ पे तो 25,000 ऑपरेशंस लगने तय है, यहाँ हो सकता है और कम में यही आंसर मिल जाए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस दिस इज द पावर ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ये ड्रास्टिकली सुधार देता है। अब एक बार यार इसकी बात करते हैं कि कोड तो हम करेंगे, मतलब क्या कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालेंगे, पहले एक काम करते हैं पहले इसका कोड लिखते हैं। फॉर्चुनेटली लीट कोड 704 एग्जैक्टली बाइनरी सर्च ही है, तो हम लीट कोड पे इसका कोड लिख के देखेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं, आ जाते हैं अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म में, इवन अपने वीएस कोड की भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी लेकिन पहले लीट कोड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो लीट कोड पे ये आपको लिखना है, लीट कोड पे 69th नंबर पे आ जाएगा यार SQRTX, ठीक है। बहुत सिंपल है, अगर आपको फिर भी नहीं पता तो देखिए इधर आ जाइए, यहाँ पे सर्च मारिए लीट कोड, लीट कोड की वेबसाइट खुल जाएगी आपकी, कई बार टाइम लगा देती है। फिर प्रॉब्लम्स में जाइए, प्रॉब्लम्स में यहाँ पे या तो आप 69 को टाइप कर दीजिए क्योंकि नंबर भी दे रखा है। अच्छा मैंने 704 लिख दिया ना, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नहीं है, 704 ही लिखना है, आई एम सो सॉरी, 704 लिखो तो बाइनरी सर्च आ गया, ठीक है। जो नंबर आपको दे रखा है वही होगा, या तो आप बाइनरी सर्च लिखो या 704, तो ये आ गया मेरे पास। अब क्वेश्चन में गिवन है क्या है वो एक बार देख लेते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स विच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, नॉर्मल सॉर्टेड है, एंड एन इंटीजर टारगेट, एक टारगेट नंबर दे रखा है, राइट अ फंक्शन टू सर्च टारगेट इन नम्स। अगर टारगेट मिल गया नम्स के अंदर, वो नंबर प्रेजेंट हुआ, तो काम करो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, जिस इंडेक्स पे वो पड़ा है, मिल ऑफकोर्स मिड ही तो वो इंडेक्स होता है, हमेशा जब भी मिलता है उसको रिटर्न कर दो, अदरवाइज रिटर्न -1, अगर नहीं मिलता तो -1 को रिटर्न करो। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे देखो हमें एक एरे मिला हुआ है, एक टारगेट, तो सबसे पहले तो मैं क्या बोलता था, पूरे एरे के अंदर, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ऐसा चीज़ चल रही है, अगर ये सीन है ना तो टेक्निकली पता है क्या हो रहा है, इसको मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये एरे है मान लीजिए, मेरा टारगेट है 9, ठीक है, टारगेट इज 9, तो होगा क्या, यहाँ पे मेरा लो है, यहाँ पे मेरा हाई है, सबसे पहले मेरा मिडल एलिमेंट निकलेगा, जैसे ये 0th इंडेक्स है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 5/2 होता है, तो 0, 1, 2, तो ये मेरा मिडल इंडेक्स है, चेक होगा क्या 3, 9 के बराबर है, नहीं, तो इसका मतलब ये जो 3 और ये है पूरा का पूरा, ये तो मेरा हट गया, इसमें अब सर्चिंग नहीं होगी, अब ये मेरा लो बन जाएगा, ये मेरा हाई बन जाएगा, तो वापस से चेक होगा, लो प्लस हाई अपॉन 2, ये मेरा मिडल एलिमेंट है, क्या है 9 के बराबर है, हाँ डन, ठीक है। तो ऐसे काम होता है, तो सबसे पहले ऑफकोर्स जैसा कि मैंने बताया, आपको हमेशा अपना क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको लिखना होगा इंट लो, ये इंडेक्स है 0, फिर आप लिखोगे इंट हाई, इसको आप लिख दो बिल्कुल कहाँ पे, एंड में, लास्ट इंडेक्स होगा मेरा नम्स डॉट साइज -1, ठीक है, n-1 आप n भी कह सकते हो, यहाँ पे ये इसकी लेंथ है। इसके बाद अब मेरे को लगाना है एक लूप, तो एक बार के लिए लिख लेते हैं वाइल, अंदर क्या होगा सोचेंगे एक बार, ठीक है। वाइल लिख लिया, मैंने क्या बोला था, आप हर समय निकालोगे इंट मिड इज इक्वल टू, आप लिखो हाई प्लस लो, ठीक है, दोनों का आधा होगा, हाई प्लस लो, ये कर दो ब्रैकेट, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, ताकि हायरार्की फॉलो हो, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2। अब मैं तीन चीज़ें देखूंगा, क्या मेरा ARR ऑफ मिड टारगेट के बराबर है, तीन ही चीज़ें हो सकती है, अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो, ट्रू नहीं रिटर्न करना, यहाँ पे कई बार ट्रू करना होता है, लेकिन हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न टाइप है इंट, हमें वो इंडेक्स रिटर्न करना है जहाँ पे मेरे को मिल गया, अगर मिडल एलिमेंट ARR ऑफ मिड टारगेट के बराबर है तो मिड को ही रिटर्न करूँगा ना, मिड इज इंडेक्स, लो हाई मिड इंडेक्स है, एरे ऑफ मिड एलिमेंट है, ठीक है, टारगेट एलिमेंट है, तो ठीक है ये मिल गया। एल्स इफ, या फिर क्या हो सकता है, आप 3F भी लगा सकते हो, ये बेटर है, या फिर ये हो सकता है कि जो मेरा मिडल एलिमेंट मिला, ठीक है, वो बड़ा है मेरा टारगेट से, अगर ऐसा है कि जो मेरा मिडल एलिमेंट है वो टारगेट से बड़ा होता है, मिडल एलिमेंट टारगेट से बड़ा है, बड़े ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, कोडिंग स्क्रीन ही आएगी, आप मन में विजुलाइज करो, मिडल एलिमेंट अगर मेरा गिवन टारगेट से बड़ा है, मिडल एलिमेंट मेरा गिवन टारगेट से बड़ा है, तो मिडल एलिमेंट के जितने भी आगे एलिमेंट्स होंगे वो और भी बड़े होंगे, जितने आगे एलिमेंट्स होंगे वो और भी बड़े होंगे, तो मिडल से लेकर आगे तक को हटा दो, हाई जो है अब मेरा पीछे आ जाएगा, ठीक है, तो मैं लिखूंगा हाई इज इक्वल टू मिड -1, ठीक है, और एल्स का मतलब सिंपल एक ही चीज़ रह गई, या तो ये बराबर है या ज़्यादा है तो कम, तो अगर मेरा मिडल एलिमेंट जो मेरे को मिला वो छोटा है टारगेट से, इसका मतलब जो इससे पीछे है वो और भी छोटे हैं, तो मैं लो इज इक्वल टू मिड +1, और कुछ है ही नहीं एल्गोरिदम में, देखो तुच्छा सा कोड है, इतना सा कोड है, दैट्स इट, बस ये काम आपको बार बार करना है। अब एक बार कंडीशन देख लेते हैं, हमारी कंडीशन क्या रहेगी, लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, अब आपको हमेशा ये लिखना है लो इज लेस देन इक्वल टू हाई,
लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है, लो इज लेस देन हाई मत लिखना यार, गलती हो सकती है, लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, हो सकता है जब ये हमें ब्रेक पता है कब करना होगा, ऑफकोर्स लो जो लूप है आप ये हमेशा देखते होंगे कि या तो देखो हाई इधर आता है या लो इधर आता है, तो जब वो ऐसे क्रॉस कर जाएंगे मतलब एरे खत्म हो गया, तो इसलिए हमें ये रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लास्ट में लिख दो रिटर्न माइनस वन, अगर ये लूप मेरा खत्म हो गया और कुछ भी रिटर्न यहाँ से नहीं हुआ तो माइनस वन को रिटर्न कर दो। एक बार रन करते हैं कोड को, एक बार रन करते हैं, कंपाइलेशन एरर है, यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर ARR, ठीक है, तो मैंने ARR यूज कर दिया हमेशा की तरह, इस एरे का नाम नम्स है, ठीक है, ये देखो नम्स है, वापस रन करते हैं, कोई बात नहीं, इसलिए तो रन का बटन है, गलतियां बताने के लिए हमारी, एक्सेप्टेड, पूरा सही चल रहा है मेरा। अब मैं सबमिट करूंगा तो आंसर गलत आएगा, लेकिन ये बिल्कुल सही कोड है, बिल्कुल सही है, इसमें एक छोटी सी मॉडिफिकेशन है, कोड सही है लेकिन मॉडिफिकेशन है, सबमिट करते हैं, क्या पता चल जाए, लेकिन गलती आएगा मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा चल गया यार ये, तो यार देखो ऐसा होता है कि हर समय ये कोड चलता नहीं है मेरा, जो ये है ना हाई प्लस लो अपॉन टू, मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों है। जैसे इस केस में तो मेरा चल गया, अगर मैं कंसोल पे आऊँ तो यहाँ पे हम अपना खुद का टेस्ट केस भी दे सकते हैं ना, हाँ देखो हम अपना खुद का भी यहाँ पे टेस्ट केस जो है वो दे सकते हैं। अब यार देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि जो मेरा हाई है और जो मेरा लो है, ठीक है, ये हाई प्लस लो अपॉन टू हो रहा है ना, अब हाई भी एक इंटीजर है लो भी एक इंटीजर है, मान लेते हैं हाई मेरा बिल्कुल लास्ट नंबर है इंटीजर का जो इंट मैक्स है, और जो लो है वो है इंट मैक्स माइनस टू, ठीक है। अगर ऐसा है, ये देखिए मान लीजिए कभी मेरा हाई बहुत बड़ा एरिया है, ये समझ लो पूरा इतना बड़ा एरिया है, तो हाई की वैल्यू मेरा जो हाई इंडेक्स है वो मेरा ऑलमोस्ट समझ लो यार इंट मैक्स के बराबर है, वो मेरा इंट मैक्स है, एंड ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि जो लो है, यहाँ मान लीजिए कि लो मेरा ऑलमोस्ट ये है इंट मैक्स माइनस टेन मान लो, ठीक है, बट एनीवेज जब मैं इन दोनों का सम करूँगा तो इंटीजर से ऊपर रेंज में चले जाएगा, इसको हम बोलते हैं कि भाई इंटीजर से बाहर चले गया हमें, आउट ऑफ द रेंज ऑफ इंटीजर्स। इन दैट केस मैं यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन इस्तेमाल करूँगा, इधर देखिए इसको यहाँ बताता हूँ आपको, बाइनरी सर्च आप सबको आई होप समझ आ गया होगा, एक बार अगर मैं वापस से लिखूँ तो बड़ा सिंपल होता है, आप हमेशा लिखोगे लो इज इक्वल टू ज़ीरो, इंट हाई इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन मेरा साइज है, आप हमेशा यहाँ पे लिखोगे वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है, और आप कैलकुलेट करोगे सबसे पहले तो मिडल एलिमेंट, यहाँ पे यहीं की यहीं कैलकुलेट करना होता है और हर बार नया कैलकुलेट होगा मिडल, मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू, आप ये लिखते हो ना लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। अब इसी की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं, थोड़ी सी मैथ्स दिखाता हूँ आपको, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय टू को पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि अगर ये बहुत बड़ा नंबर है ये भी बहुत बड़ा नंबर है, दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा तो कभी कभी हो सकता है इंटीजर से बाहर चले जाए, ऑफकोर्स मैं उसको लॉन्ग लॉन्ग करके संभाल सकता हूँ, मैं उसको यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग करके संभाल सकता हूँ, नो बिग डील, क्योंकि जैसे लीट कोड का ये तो आपका चल गया, एक और ऐसे क्वेश्चन है एक दो बिल्कुल सेम वो चलेंगे नहीं, वैसे संभाल सकता हूँ, लेकिन बिना उसके अगर मेरे को थोड़ी सी और ऐसे ऑप्टिमाइजेशन करनी है ताकि मैं इसको कैलकुलेट भी कर पाऊँ, क्योंकि देखो मुझे पता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि इंटीजर की जो रेंज है, इंटीजर की रेंज मैक्सिमम 1 लाख तक है, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लीजिए 1 लाख तक है, अब मान लीजिए लो है मेरा यार 80,000, ठीक है, और हाई है मेरा 90,000, तो दोनों इंटीजर की रेंज में बिल्कुल है, लेकिन दोनों को ऐड करूँगा तो बन जाएगा 1,70,000, जो कि रेंज से बाहर जा रहा है, लेकिन वो आप ये बोलोगे कि यार उसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ऑफकोर्स 85,000 बनता है, जो कि है रेंज में, लेकिन पहले ये कैलकुलेट होता है बाद में डिवाइड होता है, ठीक है, हायरार्की के हिसाब से अगर मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ तो पहले ये कैलकुलेट होगा, वही करना पड़ेगा, तो ये पहले से ही बाहर चले गया तो एरर आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे पता है क्या करेंगे, थोड़ी सी मैथ्स का इस्तेमाल करेंगे, हम इसको ये लिख सकते हैं, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, लो प्लस लो, ठीक है, प्लस हाई माइनस लो, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये तो सेम ही बात है यार, लो प्लस हाई माइनस लो, अब ये देखो ये तो पहले से था, मैंने क्या किया एक और ऐड कर दिया फालतू में और एक और सबट्रैक्ट कर दिया, कर सकता हूँ ये तो मर्जी है, माइनस टू प्लस टू तो कर ही सकते हैं। अब आप इसको सेपरेट आउट करके यार ये लिख सकते हो लो प्लस लो, लो प्लस लो अपॉन टू प्लस हाई माइनस लो अपॉन टू, ठीक है, लो प्लस लो क्या होगा यार मेरा, लो प्लस लो यूजुअली लो ऐसे नहीं जाता बाहर, वैसे टेक्निकली स्पीकिंग के बाद बताओ
ये तो हम कैलकुलेट करेंगे ना, लो प्लस लो होता है टू लो, टू लो अपॉन टू को तो मैं लो ही लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। तो हम इसकी जगह, इसकी जगह अगर हम ये लिखे लो प्लस हाई माइनस लो अपॉन टू, हाई माइनस लो अपॉन टू, ठीक है, तो ये भी एक ही बात है, बट ये बेटर इसलिए है क्योंकि चाहे हाई कितना भी बड़ा इंटीजर हो, लो कितना भी बड़ा इंटीजर हो, जब मैं माइनस करूँगा, ठीक है, क्योंकि लो मेरा माइनस में तो जाएगा नहीं कभी, अगर जीरो से शुरू हो रहा है तो मैं माइनस करूँगा तो छोटा नंबर मिलेगा, डिवाइड बाई टू चलेगा और ये भी चलेगा मेरा। इसको हम ऐसे तो लिख नहीं रहे ना क्योंकि सीधा ऐसे लिख रहे हैं, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो ये चीज़ का मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि मेरा इंटीजर रेंज में मैं थोड़ा बचा सकूँ, ये सारी चीज़ें कर सकूँ, ठीक है भाई। हमें बाइनरी सर्च अच्छे से आई होप समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस करते हैं अपने इस बाइनरी सर्च के बारे में। मान लेते हैं मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू एन, ठीक है। लीनियर सर्च में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या होगा, अब एक बात बताओ, आफ्टर ईच ऑपरेशंस मुझे नहीं पता कि कितने ऑपरेशंस है, राइट। प्रॉब्लम तो यही है ना, मुझे नहीं पता कि ऑपरेशंस कितने, और मेरे को वही निकालना है। मान लेते हैं कि जो मेरे ऑपरेशंस हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन जितने भी हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस एक बारी के लिए मान लेते हैं कि x के बराबर है, एक बारी के लिए मान लेते हैं कि हमारा x के बराबर है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, हमें नहीं पता। अब मेरे स्टार्टिंग में n एलिमेंट्स हैं, तो मैंने क्या बोला था, हर ऑपरेशन के बाद मेरा सर्च स्पेस हाफ से तो रिड्यूस होता है। तो ये देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूँ, पहले अगर मेरा n था सर्च स्पेस, इसके बाद क्या हो गया होगा, n बाय टू हो गया होगा, इसके बाद क्या हो गया होगा, n बाय फोर हो गया होगा, इसके बाद क्या हो गया होगा, n बाय एट हो गया होगा, एक और ऑपरेशन के बाद कितना हो गया होगा, n बाय सिक्सटीन, एक और ऑपरेशन के बाद हो गया होगा n बाय थर्टी टू, एंड सो ऑन। कितने, जबकि अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास x ऑपरेशन है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ, मैं ये कह सकता हूँ ना कि x टर्म्स है अराउंड, मेरी x टर्म्स है। आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आपने मेरा टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का लेक्चर नहीं देखा, कुछ समझ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ एक दो तीन चार पाँच छः जितने भी है ये टोटल मेरे x टर्म्स यहाँ पे बैठ रहे हैं। क्या बैठ रहे हैं यार, मेरे यहाँ पे x नंबर ऑफ टर्म्स बैठ रहे हैं, राइट। और हर बार ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ज़रा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मान लेते हैं वो मेरी लास्ट टर्म क्या होगी, जब मेरा बार बार 2 से डिवाइड हो रहा है, कितने कुछ एलिमेंट्स बच रहे होंगे मेरे, ठीक है। एट दी एंड तो मेरे यार एक ही एलिमेंट बचता है, अगर मैं आपको बताऊँ लास्ट में आधा आधा कर करके एक एलिमेंट बच जाता है वर्स्ट केस में, ठीक है। तो वो जो एक एलिमेंट बचेगा, ज़रा एक बात बताओ, ये n डिवाइडेड बाई 2, 4, 8 अप टू 1 हो रहा है, क्या इसको ऐसे कह सकते हैं n, फिर यहाँ n डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1, ठीक है, फिर n डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, n डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू n डिवाइडेड बाई 2 की पावर x। क्यों, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4 अप टू x, x नंबर ऑफ टर्म्स है। तो जो मेरी ये लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, 2 की पावर ऑलमोस्ट x के बराबर होगी, अगर मेरे पास x टर्म्स है, देख लो ना 1, 2, 3, 4, अगर इतनी टर्म्स है, इतना मैं कह रहा हूँ, मान रहा हूँ कि इतने ऑपरेशंस है, लेकिन मैंने आपको बताया लास्ट में एट द एंड वर्स्ट केस में जो भी है मेरा एक एलिमेंट जब बचता है, जैसे जब हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये इतना बुरा था कि इसमें लिटरली मैंने सारे हटा दिए और फिर एक बचा। कभी कभी क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि देखो मेरा सिर्फ, जैसे मान लीजिए ये मेरा एलिमेंट एरे है और मुझे सर्च करना है यहाँ पे, मैं कहता हूँ मुझे सर्च करना है यहाँ पे 18, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले मैं आया इधर, ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हाई इधर है, लो इधर है, 7 + 0/2 यानी कि मिड इधर आ जाएगा, मैं देखूँगा 5 18 से छोटा है, ये खाली हो गया अरे, फिर मैं इधर आया, फिर मेरा लो इधर आ गया, मिड इधर आ गया, फिर मैंने अगेन देखी चीज़ें, तो मेरी सारी चीज़ें यहाँ पर रेड होने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट मेरा ये है, हमेशा नहीं है कि सारी चीज़ें हट जाए, 1 से ज़्यादा एलिमेंट भी बच सकते हैं, लेकिन वर्स्ट केस, ठीक है, वर्स्ट केस यहाँ पे हो सकता है एक एलिमेंट बचे, तो इन दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों बराबर है आपस में, ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ देखिए लग गई मैथ्स, n अपॉन 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, तो अगेन मैं कह सकता हूँ 2 की पावर x इज इक्वल टू n, ये तो हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, x की वैल्यू आ जाएगी log base 2n। तो जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो थी ऑर्डर ऑफ x,
यानी कि मैं कह सकता हूँ ओ ऑफ लॉग इन, ठीक है, और बेस से तो फर्क ही नहीं पड़ता. सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम. ठीक है, इसलिए ये इतना बेहतरीन होता है क्योंकि लॉग इन बहुत कम होता है. ठीक है, एंड से आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारा जो बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट है. अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी सर्च बिल्कुल आपका ना यार बच्चों क्लियर हो जाएगा, जो हमने अभी तक पढ़ा है वो एल्गोरिदम रट जाएगा आपको. ठीक है, बार बार करना खुद भी तब भी याद हो जाएगा आपको. अब हम करने वाले हैं लोअर बाउंड. लोअर बाउंड क्या होता है अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन मान लीजिए मेरे को एक सॉर्टेड इंटीजर आरे दे रखा है. और कभी भी आपको पता है किसी भी क्वेश्चन में, अब इंटरव्यूअर आपको ये तो बताएगा नहीं कि ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, या जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो भी ये नहीं बताएगा कि ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है. कभी भी आपको ये दिखता है ना गिवन अ सॉर्टेड इंटीजर आरे, तो यूजुअली आप समझ जाओ चांसेस आर कि बाइनरी सर्च लगेगा. जैसे अगर आपको याद हो, आप अगर आई आई टी जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे या 11 12th में आपने मैथ्स पढ़ी थी, तो कभी भी दे रखा होता है कि गिवन टू नंबर्स, गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स, तो हमारा दिमाग चलता था अरिथमेटिक मीन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम ग्रेटर दैन इक्वल टू जीएम लगाने का. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम बाइनरी सर्च लगाएंगे. अब हमें एक तो एरे दे रखा है और एक इंटीजर एक्स दे रखा है, यानी कि टारगेट वैल्यू, एक मान लीजिए टारगेट वैल्यू दे रखी है, जो भी कह सकते हैं. फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ एक्स. क्या मतलब यार लोअर बाउंड का, चलिए आ जाते हैं इधर देख लेते हैं. मान लेते हैं यही मेरा वो एरे है, यही वो मेरा एरे है, कॉपी पेस्ट. ठीक है, रेड रेड चीज़ों को हटाओ. मान लेते हैं ये है मेरा गिवन एरे. अब मुझे एक एक्स दे रखा है और मान लेते हैं एक्स की वैल्यू मेरी है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक्स की वैल्यू मेरी है फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू 20. ठीक है, अब आप जानते हो कि जो 20 है वो इस एरे में तो प्रेजेंट नहीं है. मुझे बेसिकली क्या निकालना है, 20 का लोअर बाउंड. मतलब अगर 20 इस एरे में होता तो कहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता 20. देखो अगर होता तो 20 18 के बाद आता और 21 से पहले, क्योंकि एरे सॉर्टेड एरे है. ठीक है, तो बेसिकली मेरे को 20 का लोअर बाउंड बताना है, यानी कि 18. तो मेरा अपना आंसर मेरे को 18 प्रिंट कराना है. ठीक है, 18 प्रिंट करना है. लोअर बाउंड का मीनिंग ये है. अगर पूछा जाता अपर बाउंड तो इसका मतलब होता वो भी साथ साथ करेंगे हम, 21 को प्रिंट कराओ. तो बेसिकली अब हमें अपना एलिमेंट मिलेगा नहीं एरे के अंदर, ठीक है, बट उसका लोअर बाउंड निकालना है. अगर मान लीजिए लीनियर सर्च से इस चीज़ को सॉल्व करना है, अगर आपको इसको लीनियर सर्च से सॉल्व करना है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, बड़ा सिंपल है. आप बस चेक करते जाओगे क्या ये वाला एलिमेंट छोटा है मेरे 20 से, हाँ ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी, ये भी, ये भी, फिर ये मैं देखूंगा ये 20 से बड़ा है. तो जस्ट इससे जो पहले वाला एलिमेंट होगा ना वो 100% 20 से छोटा रहा होगा, तभी मैंने उसको आगे भेजा है, उसको आप यहाँ पे रिटर्न कर दो. जैसे कि एक बार करके देखते हैं, इसको कोड लिख लेते हैं, इसका विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं अपने, एंड यहाँ पे पहला कोड लिखते हैं हम लोअर बाउंड, लोअर बाउंड डॉट सीपीपी. ठीक है, वापस से पूरा कोड लिख देते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन. ठीक है, तो यही एरे अपना उठा लेते हैं यार. मान लेते हैं कि मेरा एरे कुछ ऐसा है 1 2 4 5 9 15, 1 2 4 5 ऐसे नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, 1 2 4 5 9 15 18 21 24. दिस इज़ योर एरे. तो इसका साइज़ भी हमें पता है, सारी चीज़ें पता है, इसका साइज़ कितना है ये देखिए 9 है, यहाँ पे 9 लिख भी दो चाहे तो, मर्जी आपकी. ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एरे दे रखा है और मुझे क्या निकालना है कि क्या इसके अंदर, अगर मैं अपने यहाँ पे मान लीजिए उस एक्स को एक बारी के लिए मान लेता हूँ 20, मुझे प्रिंट कराना है 20 का लोअर बाउंड यानी कि 18. तो मैं सिंपल एक काम करूँगा भाई, मैं लिखूँगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं एन की वैल्यू एक बार 9 कर देते हैं. ठीक है, और मैं बस ये देखूँगा अगर मेरा एरे का जो आई एथ एलिमेंट है अगर वो छोटा है, अगर वो छोटा है मेरे गिवन एक्स से, तो आपको कुछ नहीं करना है यार, आपको यहाँ पे लिटरली कुछ नहीं करना, आपको वो चीज़ छोड़ते जानी है. ठीक है, कंटिन्यू, या फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये चेक कर लो. अगर जो एलिमेंट है एकदम से मेरे को पता लगा कि जो भी एलिमेंट आया वो इस एक्स से बड़ा एलिमेंट है, तो आपको यहाँ पे दो काम करने हैं. सबसे पहले तो यार प्रिंट करा दो अपने उस एलिमेंट को, यानी कि इस ARRI को प्रिंट करा दो, ARR(i-1) को, क्योंकि उससे प्रीवियस वाला वो एलिमेंट होगा जो कि एक्चुअली में निकल के आएगा, और ब्रेक भी लगा दो. ठीक है, रन करते हैं इस कोड को, आप देख सकते हो 18. अगर मैं 20 की जगह मान लेते हैं मैं यहाँ पे 12 लिखता, तो 12 अराउंड 9 और 15 के बीच में आता, तो आंसर 9 आएगा. देखना, आंसर आ गया 9. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 तो आंसर आएगा 2. ये देखिए आंसर आ गया मेरा, आया क्यों नहीं, वापस रन करते हैं.
ओके कहीं थ्री आ रहा है मेरे को नज़र नहीं आ रहा। अच्छा मैं एन की जगह थ्री लिख दिया, आई एम सो सॉरी यार, मैंने यहाँ देखो एन की जगह थ्री लिख दिया, ट्वेल्व की जगह लिखना था। अगर यहाँ मैं लिखता हूँ थ्री तो आंसर आएगा टू, ये देखिए टू आ गया। तो लोअर बाउंड अगेन कैसे आ रहा है ये देखिए, जैसे अगर मैंने यहाँ पे सच में लिखा होता यहाँ पे ट्वेल्व और आंसर अगर मेरा आता है यहाँ पे नाइन, तो वो ऐसे आ रहा है कि मैं ऐसे सर्च कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ क्या ये मेरा बड़ा है, क्या कहते हैं ट्वेल्व से नहीं, क्या ये ट्वेल्व से बड़ा है नहीं, फोर भी नहीं है, फाइव भी नहीं है, नाइन भी नहीं है, फिफ्टीन ट्वेल्व से बड़ा है हाँ, तो फिफ्टीन वो पहला ऐसा एलिमेंट है जो ट्वेल्व से बड़ा है, तो उससे जो पहले एलिमेंट होगा वही उसका लोअर बाउंड होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको अपर बाउंड निकालना है तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो, जैसे ही आपको एक एलिमेंट मिलता है, इनफैक्ट वो तो सीधा ही निकल जाएगा ना, जैसे ही आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि मेरे क्या कहते हैं ट्वेल्व से बड़ा है, तो हम सीधा सिर्फ उसी को प्रिंट अगर करा देंगे तो काम बन जाएगा। ये देखिए अपर बाउंड निकल जाएगा, जैसे अगर ट्वेल्व लिखा है फिफ्टीन आ जाएगा आंसर अब, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी को हमें करना है बाइनरी सर्च की मदद से, मतलब जैसे इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये ऑब्वियसली मेरा है बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि वर्स्ट केस में पूरा एरे सर्च करना पड़ जा रहा है, ऑलमोस्ट आधा एरे पूरा है एक ही बात है, मुझे इसको लॉग इन में करना है। क्या लॉग इन में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है लॉग इन में, सेम बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम लगेगा, लेकिन अब यहाँ पे सोच के देखना कि हम करने क्या वाले हैं। आ जाते हैं एक बार यहाँ पे ड्राई रन करके एक बार देखते हैं। मान लेते हैं मेरे को 20 को ढूंढना है, मेरे को 20 को ढूंढना है, कैसे ढूंढूंगा? अगेन मेरा काम वही रहेगा, लो को मैं रख दूंगा यहाँ पे, हाई को रख दूंगा यहाँ पे, हर बार मैं बोलूंगा मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो अपॉन टू, ठीक है, लो प्लस हाई माइनस लो अपॉन टू, यानी कि बेसिकली हाई प्लस लो अपॉन टू बीच का। तो अगर ये जीरो है एट है, जीरो प्लस एट अपॉन टू फोर, तो यहाँ पे आ गया मेरा मिड, यहाँ पे आ गया मिड। तो देखो मैं देखूंगा अभी भी यही, अगर मेरा ए आर आर ऑफ मिड, यहाँ पे अब देखना कंडीशन क्या होगी, अगर ए आर आर ऑफ मिड, कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि बराबर हो जाए मेरे एलिमेंट के, कभी भी यार अगर ऐसा हो कि मेरे एलिमेंट के बराबर मुझे एलिमेंट मिल जाए, मतलब यहाँ पे 20 नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि ये 20 की जगह 15 होता, 15 तो सच में इसमें एग्जिस्ट करता है, तो उसका लोअर बाउंड पता है क्या होगा, अगर कोई एलिमेंट है वहाँ पे, तो उसका लोअर बाउंड सिंपल उससे पहला वाला एलिमेंट, अपर बाउंड उससे अगला वाला एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट है प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो सोचो कि वो कहाँ होता और फिर वो चीज़ होती, ठीक है, ओके। तो अगर मेरा मिड बराबर हो गया किसके, अपने इस एक्स के, तो बड़ा सिंपल है, आपको लोअर बाउंड रिटर्न करना है ना, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न कर दो या फिर आप प्रिंट करा दो, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप सी आउट करा दो और फिर ब्रेक कर देना, यहाँ पे प्रिंट करा दो ए आर आर ऑफ मिड माइनस वन, इससे एक पीछे का इंडेक्स, क्योंकि अगर बराबर भी मिल गया तो मुझे लोअर बाउंड निकालना है, ये तो तब होगा जब बराबर मिलेगा, जैसे इसके केस में ये कभी चलेगा ही नहीं, ठीक है भाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब क्या करें, जैसे हमने देखा 9 जो है वो तो 20 से छोटा है, तो अगर ए आर आर का मिड छोटा है हमारे गिवन एक्स से, यानी कि टारगेट से, अगर ऐसा है तो हम क्या करें, जैसे 9 है मेरा 20 से छोटा है, लेकिन क्या ये अभी भी मेरा लोअर बाउंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्या मतलब, मान लेते कि एलिमेंट मेरा 12 होता तो 12 से छोटा होता, तो यार ये मेरा लोअर बाउंड तो हो सकता था, ये मेरा लोअर बाउंड डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम पता है क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा लोअर बाउंड हो सकता है, इनफैक्ट मैं चलो कोई नहीं, क्योंकि ये मेरा लोअर बाउंड अभी भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, अगर ये 12 होता तो हम इसको जाने नहीं दे सकते, कभी भी जब बाइनरी सर्च में मेरा गिवन एलिमेंट छोटा है नंबर से, तो वो और उसके लेफ्ट में सारे एलिमेंट छोटे होंगे, तो मैं इतना सर्च स्पेस हटा देता था। अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं इतना सर्च स्पेस हटा सकता हूँ, और मैं सिंपल एक काम कर लूँगा, अब मैं लो को मिड पे ले आऊँगा, लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन की जगह लो को मिड पे ले आओ, क्योंकि वो एलिमेंट अभी भी हो सकता है मेरा लोअर बाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लो को मैं ले आया मिड पे, लो आ गया इधर, ठीक है भाई। अब वापस से लो जब मिड पे है तो ये तीसरी कंडीशन तो नहीं चलेगी ना, ये देखो एलसीएफ है, तो एलसीएफ इनमें से एक ही कंडीशन चलेगी, ठीक है, या तो ये देखो बराबर है छोटा है या फिर बड़ा है, तीसरी कंडीशन के बारे में भी सोचेंगे, एल्स इफ या फिर एल्स लिख दो, बात एक ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। अगर ये बड़ा है तो क्या करेंगे वो देखेंगे, हाई के ऊपर होगा, लेकिन अभी के लिए ये देख लो, लो इज इक्वल टू मिड, लो इधर आ गया तो ये भी नहीं चला, अब मैं इधर आ गया, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाय टू, तो 4 + 8 तो यानी कि 12/2, यानी कि 6th इंडेक्स पे ले आओ अपने मिडल को, अब मैं मिड को ले आया अपने 6th पे, बहुत बढ़िया। अब मैंने सर्च किया वापस से, क्या 18 मेरा बराबर है इस एक्स के? नहीं है,
क्या ये जो 18 है ये छोटा है 20 से? बिल्कुल, 18 मेरा 20 से एक छोटा एलिमेंट है, 18 मेरा 20 से एक छोटा एलिमेंट है, तो दिस कैन बी द लोअर बाउंड, यस इट कैन बी द लोअर बाउंड। ठीक है, अगर 18 मेरा 20 से छोटा है तो 18 लोअर बाउंड हो सकता है अभी भी, लेकिन एक बात पक्की है कि 18 से लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट है वो तो लोअर बाउंड कतई नहीं है, वो तो लोअर बाउंड कतई नहीं है। बात समझना यार, 18 से लेफ्ट के जितने भी एलिमेंट है, इनफैक्ट अब तो इतने ही बचे हैं लो से लेकर मिड माइनस वन तक, ये एलिमेंट अगर 18 से भी छोटे हैं और 18 अपने आप में 20 से छोटा है, तो हो सकता है कि 18 20 का लोअर बाउंड हो, क्या पता 18 भी नहीं होता, यहाँ पे 19 लिखा होता, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो अगेन मैं अपना सर्च स्पेस रिड्यूस कर दूंगा, लो को मैं वापस से ले आऊँगा मिड पे, ठीक है, मिड को हटाओ, लो को मैं वापस से ले आऊँगा मिड पे, फिर मैं देखूंगा क्या कि मिड इज इक्वल टू लो बाय 2, तो 6 + 8 = 14/2 = 7, अब मैं मिड को ले आऊँगा 21 पे, तो अब मैं वापस से सर्च करूँगा क्या ये जो ARR ऑफ मिड है 21 बराबर है 20 के? नहीं। आगे देखो, क्या ये जो मेरा एलिमेंट है 21 छोटा है 20 से? नहीं। तो लास्ट केस 21 20 से बड़ा है, तो अगर 21 20 से एक बड़ा एलिमेंट है, बड़ा एलिमेंट है, तो वो उसका लोअर बाउंड तो कतई नहीं है। लोअर बाउंड का मतलब होता है 20 से छोटा एलिमेंट, अगर 21 20 से बड़ा एलिमेंट है तो कतई लोअर बाउंड नहीं है। तो इसका मतलब 21 से लेकर आगे तक, एक तो 21 भी ध्यान रखना 21 इटसेल्फ अब इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो लोअर बाउंड नहीं हो सकता, तो इससे लेकर आगे तक हटा दो, यानी कि अपने हाई को मिड से पहले ले आओ। तो यहाँ देखना हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन ही हो रहा है, यहाँ पे भी वैसे आप इसको प्लस वन करके पर इशू आ जाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ ये चीज़ बची, ठीक है, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, अगर मिड 7 पे है तो हाई आ जाएगा 6 पे, तो हाई आ गया इधर, ठीक है, हाई आ गया मेरा यहाँ पे आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैं वापस से देखूंगा मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाय 2, तो मेरा जो मिडल एलिमेंट है, मिडल इंडेक्स है, वो भी इधर आ जाएगा, एक तो मिड भी इधर आ गया। फिर मैं चेक करूंगा क्या मेरा जो 18 एलिमेंट है, क्या ये जो मेरा 18 एलिमेंट है वो बराबर है 18 20 के बराबर? नहीं है। जो 18 है वो अपने 20 से छोटा है? हाँ। तो लो इज इक्वल टू मिड पे ले आओ, तो लो तो देखो वापस से मिड में आ गया, ठीक है, लो इधर ही आ गया, लो इधर ही आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ तो मेरी चलेगी ही नहीं, लेकिन ये जो ARR ऑफ मिड है, ARR ऑफ मिड जो मेरा है, कौन सा ARR ऑफ मिड, 18 है वापस से, ये 20 से ज़्यादा भी नहीं है, ये चलेगा भी नहीं बाय द वे। अब लूप तो मेरा बार बार चलते रहेगा, ये देखो लूप चलता रहेगा, क्योंकि कंडीशन में क्या रखता हूँ, वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई की कंडीशन रखता हूँ मैं, तो ये तो अभी भी बराबर है इन दोनों के, क्या किया जाए, ये तो बार बार बराबर ही चले जा रहा है, लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये छोटा होता रहेगा, इससे लो वापस से मिड पे आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा। तो ऐसे केस में या तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि अपनी वाइल की कंडीशन को लिख दूँ लो इज लेस देन हाई, क्योंकि अब ये टूट जाएगा, लो जब हाई के बराबर हो गया तो चीज़ मेरी टूट गई, ठीक है, और मैं जो भी अपना लो पे एलिमेंट है उसको मैं यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ। एक बार करके देखते हैं, क्या पता कुछ कुछ केसेस में कोड ना चले, फिर इसका हम ऑल्टरनेट देखेंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार ये बेकार है, मैं ये कहता हूँ मैं लिखूँगा int लो इज इक्वल टू 0, फिर मैं लिखूँगा int हाई इज इक्वल टू n माइनस 1 लास्ट इंडेक्स, ठीक है, ये मेरा बाइनरी सर्च लग रहा है, बाइनरी सर्च ही बोलेंगे इसको भी, भले ही वो चीज़ सर्च नहीं हो रही हो। फिर मैं लिखूँगा वाइल, अभी के लिए ये देख लेते हैं, जो मैंने सिर्फ बोला लो इज लेस देन हाई, ऑफकोर्स मैं मिड को कैलकुलेट करूँगा, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा अगर ए आर आर ऑफ मिड इज इक्वल टू एक्स हो रहा है तो आपको क्या कम करना है, आपको पता है कि ये एलिमेंट मुझे मिल गया, तो सिंपल दो काम करो, सबसे पहले तो आप प्रिंट करा दो ए आर आर, मेरे को लोअर बाउंड चाहिए ना, तो इस इंडेक्स से एक पहले वाला चाहिए लोअर, साथ ही साथ आप ब्रेक भी कर दो। अब आ जाते हैं एल्सिफ पे, अगर मेरा ए आर आर ऑफ मिड, अगर ए आर आर ऑफ मिड मेरा क्या है, यहाँ पे छोटा वाला केस लिया था मैंने, अगर ये छोटा एलिमेंट्स, तो मैंने कहा था लो इज इक्वल टू मिड, और एल्स में मैं लिख दूंगा हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, ठीक है। अब एक बार काम करते हैं, एक तो हमने ये वाला काम कर लिया, एट दी एंड मैं कह रहा था मुझे सीधा प्रिंट करा देना है कि अगर ये चीज़ नहीं हो रही हो, एक तो इसमें भी हम फ्लैग को भी रख लेते हैं, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू हो गया है, ठीक है, यहाँ पे हम रख लेते हैं बूल फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, समझना ये बस एक चेक मार्क है, चेक मार्क बेसिकली किस लिए है कि अगर इनमें से मेरे को मिल जा रहा है और यहीं ट्रू हो रहा है और प्रिंट हो रहा है तो बाद में प्रिंट ना हो, ठीक है, अगर यहीं प्रिंट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि अगर अभी भी फ्लैग मेरा फॉल्स है, यानी कि मेरा कभी ये बराबर हुआ ही नहीं था, एलिमेंट मेरे को मिला ही नहीं था,
एक केस हो सकता है कि एलिमेंट इनमें से ही हो, फिर लोअर बाउंड चाहिए। एक केस हो सकता है कि इसमें एलिमेंट कभी हो ही ना, तो ये नहीं चलेगा, तो फ्लैग फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो इस केस में आप सीधा लिख दो सी आउट कौन सा ए आर आर ऑफ लो, लो पे जो एलिमेंट पड़ा है मुझे वो चाहिए। इनफैक्ट लो मेरा बार बार मिड हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे क्या चाहिए था, मेरे को लो पे एलिमेंट चाहिए था। एक बार रन करके देखते हैं, मैंने 12 लिया है तो 12 का 9 आना चाहिए आंसर। तो चल रहा है, चल रहा है, क्या पता ये भी इनफाइनाइट लूप हो गया होगा हमारा, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे आ रही है प्रॉब्लम थोड़ी सी। अब एक बार आ जाते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है हमारी इस केस में। जैसे हमारा यही वाला आ रही है, अगर मैंने लिया 1 2 4 5 9 24, आई थिंक मैंने यही लिखा है, हाँ, और मैं कहता हूँ x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 12। तो एक बार कोड चला के देखते, क्योंकि देखो चल नहीं रहा है वो, ऑफकोर्स इनफाइनाइट लूप आ गया। तो मैंने चेक किया, सबसे पहले लो मेरा इधर है, ठीक है, हाई मेरा इधर है, मैंने चेक किया, वापस से देख ही लेते हैं 12 के लिए। इनफैक्ट 12 के लिए देख लेते हैं, इन रेड चीज़ों को हटा देते हैं यार, और वापस से अपना लो को ले आते हैं इधर। ठीक है, इन चीज़ों को यार स्किप मत करो, जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने चेक किया, क्या है 9 12 के बराबर है, नहीं, क्या 9 12 से छोटा है, हाँ, लो इज़ इक्वल टू मिड, तो लो को ले आओ इधर। ठीक है, फिर ये चीज़ तो मेरी चलेगी नहीं। फिर मैं इधर आया, वापस से मेरा मिड हो गया 4 + 8/2 यानी कि 6 पे आ गया। फिर अब मेरा चेक हुआ, क्या 18 12 के बराबर है, नहीं, क्या 18 12 से छोटा है, नहीं, क्या 18 12 से बड़ा है, हाँ, तो हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, हाई आ गया इधर, बहुत बढ़िया। अब मैं आ गया इधर, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाय टू, तो ये है 4 + 5 यानी कि 4 ही आ गया, तो मेरा मिड आ गया यार यहाँ पे लो पे, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी भी 12 के बराबर हुआ नहीं है बातें। अब चेक हुआ, क्या ये जो 9 है मिडल पे एलिमेंट है मेरा, वो x के बराबर है, नहीं है, क्या जो 9 है वो मेरा 12 से छोटा है, हाँ, तो लो इज इक्वल टू मिड, तो यार लो मेरा वापस से हो गया मिड। ठीक है, फिर मेरा वापस आप देखोगे मिड मेरा हाई प्लस लो बाय टू यहीं आ जाएगा, फिर वापस से मेरा लो इधर ही आ जाएगा, फिर वापस से मिड इधर आ जाएगा, लो इधर आ जाएगा, लो हाई से हमेशा छोटा है, लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ आप हमेशा लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन लिखो, चाहे कुछ भी हो, कुछ और रिटर्न कर देना, कुछ और प्रिंट कर देना, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप हमेशा लो इज लेस देन इक्वल टू हाई लिखो कंडीशन, पहली बात, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, हमेशा लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन रखना, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, ताकि बार बार लूप इनफाइनाइट लूप ना बने। अब इसके अंदर हम डेफिनेटली देखते हैं कि हमें क्या काम करना है जिससे मेरा आंसर आ सकता है। तो एक बार वापस से शुरू हो जाते हैं, सेम अपना बाइनरी सर्च वाली चीज़ रखते हैं कि मिड ऐसा ही है, अगर ये है तो ठीक है, बस रिटर्न कुछ और कर रहे हैं हम, अगर छोटा है तो मिड प्लस वन, बड़ा है तो यहाँ पे हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, लेकिन अब हमें रिटर्न कुछ और करना पड़ेगा, तो एक बार वो देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लो को इधर ले आओ, हाई को इधर ले आओ। अब वापस से स्टार्ट करते हैं, एक्स मेरा 12 है, तो सबसे पहले मेरा मिड आ गया बीच में यानी कि 4 पे, क्या 9 12 के बराबर है, नहीं, क्या 9 12 से छोटा है, हाँ, लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना। आप सोचोगे लो तो इधर आ गया, लो तो 15 पे आ गया, अरे मेरे को तो मेरा एलिमेंट अगर मेरा 12 है x, तो मेरा लोअर बाउंड तो 9 है। अब आप बोल रहे हो अगर मैं कहता हूँ लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन, तो आप कह रहे हो कि इस एरिया को रिजेक्ट कर दो, मैं कहता हूँ हाँ, आंसर 9 ही आएगा इसका, इसका टेक्निकली आंसर 9 ही है, लेकिन अभी के लिए इसको रिजेक्ट कर दो, आगे देखना क्या होगा। अब वापस से मेरा मिड कैलकुलेट हुआ, मिड इज इक्वल टू 5 + 8 13/2 यानी कि 6 इधर आ गया। तो चेक हुआ, क्या 18 मेरा बराबर है 12 के, नहीं, क्या 18 12 से छोटा है, नहीं, तो इसका मतलब 18 12 से बड़ा है, ऐसे केस में हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, अगर 18 12 से बड़ा है तो उसके आगे के जितने एलिमेंट है वो भी 12 से बड़े हैं, सर्च स्पेस हटा दो, हाई इज इक्वल टू हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, तो मिड से एक पहले इधर आ गए। ठीक है, अब हमने देखा क्या मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाय टू यानी कि 5 + 5/2, और अगर दोनों सेम है तो मिड भी इधर आ जाएगा, आ गया। ठीक है, अब हमने सर्च किया, क्या ये जो मिड पे पड़ा है 15 वो बराबर है 12 के, नहीं, क्या ये जो 15 पड़ा है वो लेस देन 12 है, नहीं, पर क्या ये जो मेरा 15 है ये ग्रेटर देन 12 है, हाँ, तो हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, हाई किधर आ गया, मिड माइनस वन। ठीक है, और इसके बाद जब हम अगली बार आए तो लूप ही टूट गया, क्यों,
लूप तब तक चलता है जब तक लो मेरा हाई के बराबर या इक्वल है, तब भी चल रहा था देखो, लेकिन अब लो आगे निकल गया। अब आप बोलोगे लूप खत्म, ये तो बेसिकली वो कोड हो गया बाइनरी सर्च का, बाइनरी सर्च ही है तो, लेकिन बस ये वो कोड हो गया कि मेरे को एलिमेंट नहीं मिला अपना। जब नहीं मिलता, क्योंकि यही सेम कोड है, चलता रहा और नहीं मिला मेरे को 12। लेकिन पता है होता क्या है इसमें, जब भी बाइनरी सर्च में मेरे को कोई एलिमेंट नहीं मिलता, तो कमाल की बात ये होती है, कभी भी नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली मेरा जो हाई है वो लो से छोटा हो जाएगा, ऑब्वियसली, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग कंडीशन ही ये है ना कि जब तक मेरा लो हाई से छोटा है तो लूप चलता रहेगा, जैसे ही मेरा लो हाई के आगे निकल गया तो लूप टूट गया। हमेशा जो मेरे को इसके बाद आंसर मिलेगा ना अपने हाई पे, यानी कि 9, वो मेरा लोअर बाउंड होगा। मतलब अगर मैं कोड ख़त्म होने के बाद प्रिंट करा दूं ARR ऑफ हाई, यही मेरा हमेशा हमेशा लोअर बाउंड होगा, इन केस कि अगर मेरे को एलिमेंट नहीं मिल रहा है एरे के अंदर। करके दिखाता हूँ आपको, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेम कोड लिखना है, लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई, अपना बाइनरी सर्च वाली हरकतें करनी है और कुछ नहीं। अगर बराबर है, अगर लेस देन है, तो लो इज़ इक्वल टू मिड प्लस 1, वरना हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1 लिखना है आपको। और यहाँ पे भी आपको कोई फ्लैग व्लैग की तो ज़रूरत है वैसे, क्यों? क्योंकि अगर एलिमेंट मेरे को मिल गया तो ये तो ठीक है बिल्कुल, उससे पहला वाला रिटर्न कर दो। लेकिन अगर ये कभी नहीं होता तो आपको सिंपल ये लिखना है, अगर फ्लैग फॉल्स है तो ये देखना, इफ़ फ्लैग इज़ फॉल्स तो आपको ARR ऑफ हाई प्रिंट करना है जबकि लोअर बाउंड निकाल रहे हैं। देखना अब आंसर आ जाएगा, 12 का 9 आएगा, ठीक है। आ जा भाई, आंसर नहीं आ रहा यार, सही तो लिखा है, लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2, मिड की वैल्यू x, फ्लैग कर दिया ट्रू कर दिया एक तो, ठीक है, लेस देन x, ठीक है, ग्रेटर देन x होगा। छोटी सी दिक्कत आ रही है यार, 9 साइज का एरे है ना, एक्स मेरा 12 है। इशू आना तो नहीं चाहिए यार, क्योंकि ब्रेक तो हो जाएगा लूप तो। एक बार एक काम करते हैं, वापस से रीस्टार्ट करते हैं, आई थिंक इसी में इशू आ रहा है, कॉपी पेस्ट करके रख लेता हूँ क्योंकि कोड में दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो आंसर आ गया 9, कभी कभी हो जाता है विजुअल स्टूडियो कोड में भी, ठीक है, आंसर आ गया 9। देखो 12 का लोअर बाउंड मेरा 9 है, अगर मैं 12 की जगह 14 लिखूं तो भी मेरा लोअर बाउंड 9 है, क्योंकि 14 भी इसके बीच में आएगा, ये देखिए रन किया 9 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 14 की जगह मैं लिखूं 3 लिखूं तो 2 और 4 के बीच में है 3, तो 2 आएगा आंसर, 2 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे लिख दूं 20 तो 18 आएगा आंसर, 18 आ गया, ठीक है। अगर मैं लिखूं 22 तो 21 आएगा आंसर, 21 आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑलवेज वर्किंग, तो मुझे बस क्या करना है, मुझे अगर मिल गया एलिमेंट, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 21 तो आंसर 18 आएगा, ये देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले ये देख रहा है, अगर मिल गया तो बस उससे लेफ्ट वाला एक कम इंडेक्स प्रिंट कर दो और ख़त्म करो लूप को, और अगर नहीं मिला फॉल्स यानी कि नहीं मिला एलिमेंट, तो आप जहां मेरा हाई पहुंच चुका था ना, वो मेरा 100% वो मेरा उसका लोअर बाउंड होने वाला है, इसमें कोई भी मतलब डाउट ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको अपर बाउंड निकालना है तो आप बस यहाँ पे हाई की जगह लो को प्रिंट करा दो, जैसे ये देखिए अपर बाउंड की भी बात करते हैं, यहाँ पे देखो लिखा भी है, ये जो अपर बाउंड है ये बिल्कुल सेम है, कॉपी पेस्ट, बस यहाँ पे आपको लिखना है सी आउट ARR ऑफ लो, अपर में लो लिखना है, लोअर में हाई लिखना है, ठीक है। क्योंकि हम यार एक चीज़ 100% हमेशा जानते हैं, अगर मुझे एलिमेंट कभी नहीं मिलता, इसका मतलब मैं सब कुछ सर्च कर गया, ठीक है, तो जहाँ पे मैं ऐसे रुक जाता हूँ ना, लो मेरा हमेशा उससे ज़्यादा वाला नंबर होगा और हाई मेरा कम वाला होगा। जैसे मैं जैसे यहाँ पे रुका, 15 पे मेरा रुक गया, एक लौता ऐसा एलिमेंट रहा जो कि मेरा क्या हुआ, सर्च स्पेस नहीं हटा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, ठीक है, एक लौता मेरा ऐसा एलिमेंट रहा, तो 100% जहाँ मेरा लो होता है वो अपर बाउंड होगा और हाई मेरा लोअर बाउंड मिलेगा। ये ऑटोमेटिक चीज़ है, ये ऑटोमेटिक है, आपको इसमें सोचना ही नहीं है। जैसे यहाँ आ जाते हैं, ये देखिए, अब मान लीजिए मेरे को हाई की जगह अगर मैं लो लिखूं तो अपर बाउंड मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम इधर है,
हम अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं 18, ठीक है सॉरी 19, तो 19 का 21 आएगा आंसर, ये देखना। अगर मैं लिखता हूँ 19, तो 19 इन दोनों के बीच में आता है तो आंसर आएगा 21, ये देखो 21, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, तो 10 का आंसर आएगा 15, ये देखो 15। अगर मैं आंसर यहाँ पे लिखता हूँ 8, 8 का आंसर आएगा 9। पर अगर मैं लिखूँ 8 का लोअर बाउंड तो 5 आएगा, लोअर बाउंड के लिए तुम ये कर दो, लो भाई 5, बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको अपर बाउंड निकालना है तो यहाँ पे तो आपने लो कर दिया, ये देखिए 8 का अपर बाउंड 9 आ गया, ठीक है 8 का अपर बाउंड 9 आ गया। लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपर बाउंड के लिए, फिर ये भी आपको प्लस 1 करना होगा, ठीक है। कि जैसे मान लेते हैं मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 15 का अपर बाउंड 18 होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 18 आएगा, लेकिन अगर मैं वही माइनस 1 लेके चलूँ तो लोअर बाउंड निकलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बस आपको ये चेंज करनी है, ठीक है। अपर और लोअर में एक तो ये चेंज हो रहा है और एक ये चेंज हो रहा है, दैट्स इट। कितना सिंपल है, कितना सिंपल आंसर है, मतलब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यार, आप अगले क्वेश्चन को अपने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है मुझे, क्वेश्चन मुझे ये दे रखा है गिवन अ सॉर्टेड एरे, ऑफकोर्स बाइनरी सर्च लगेगी, ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ऑफ एन एलिमेंट्स एंड अ टारगेट एक्स, ठीक है वापस दे रखा है, फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एक्स इन द एरे, इफ द एक्स डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न माइनस वन। मतलब अगर एरे में नहीं है वो एलिमेंट तो माइनस वन दे दो, और अगर एरे में है तो उसका पहला अकरेंस का इंडेक्स बताओ। मतलब यार कभी कभी पता है क्या होता है, एरे आ जाएगा मेरा ये, मान लेते हैं आप लिख दो 1 2 2, फिर 3, फिर 3 3, फिर आपका आ जाएगा वापस से मान लीजिए 3 3, फिर 4 4 5 8, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, ठीक है 5 8 9, ठीक है ये मान लीजिए मेरा एरे है। यहाँ पे अगर मुझे बोला जाए कि 1 का फर्स्ट इंडेक्स निकालो, तो 1 तो एक ही बार आता है, 5 भी एक बार आता है, 8 भी एक बार, 9 भी एक बार, लेकिन मान लीजिए अब मेरा जो x है वो 3 के बराबर है, तो मुझे ये वाला इंडेक्स रिटर्न करना है। कैसे करेंगे, ये तो प्रॉब्लमेटिक बात है बहुत। नोटिस करना, अगर इसमें मैं ट्रेडिशनल बाइनरी सर्च लगाता हूँ, ठीक है 7 8 9 10 11 12, और मुझे x इज इक्वल टू 3 को फाइंड आउट करना है, तो बाइनरी सर्च तो ये कहता था यार कि भाई ये 1 है, ये 9 है, ये 0 है, ये 12 है, 0 + 12 / 2, मिडल एलिमेंट आ गया 6, मैंने देखा ये तो 3 है, रिटर्न हो गया, लेकिन ये तो मेरा पहला इंडेक्स नहीं है, ये मेरा पहला इंडेक्स नहीं है, तो क्या करे, पहला इंडेक्स नहीं है, पहला इंडेक्स तो ये है, मुझे 3 रिटर्न करना है। तो अब एक बार सोचते हैं कि इसके केस में क्या करेंगे, ऑलमोस्ट सेम बाइनरी सर्च वाला ही एल्गोरिथम लगेगा, देखो समझना, हमेशा आपके पास ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है इसका आपको वो नहीं करना, हमेशा ये तो रहेगा लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई, ये तो आपका हमेशा रहेगा, वही अब हमेशा आपका मिडल एलिमेंट भी निकलेगा, वही मिडल इज इक्वल टू लो प्लस हाई अपॉन टू, या फिर लो प्लस हाई माइनस लो अपॉन टू, हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई टू, ये भी रहेगा। अब आप अगेन तीन चीज़ें ही रहेगी हमेशा, ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि ARR का मिड, या तो ऐसा हो सकता है ये बराबर है मेरा कितना x के बराबर, या फिर ये x से बड़ा है या ये x से छोटा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हो सकती है। अगर मान लीजिए कुछ केसेस तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे दूसरे कलर से बना रहा हूँ, देखो अगर ऐसा है कि जो ARR ऑफ मिड है मेरा वो बड़ा है मेरा x से, वो मेरा बड़ा है x से, मान लेते हैं मैं गलती से मिड मेरा इधर आ गया 4 पे, कभी 4 अगर मेरा 3 से बड़ा है तो हाँ ये बात तो पक्की है कि इसको तो आप हटा दो इस सर्च स्पेस को, तो आप सिंपल लिख सकते हो हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, ये तो है अभी भी है, ठीक है लास्ट के दो। और अगर ऐसा हो रहा है कि भाई जो ARR का मिडल एलिमेंट है वो छोटा x है, मान लीजिए कि 2 मेरा आ गया 3 नहीं आया, तो मुझे पता है कि इसको भी मैं पूरा का पूरा हटा सकता हूँ, ठीक है लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, किसी भी ऑर्डर में लिखो इसको, ये तो मेरा होगा। लेकिन बस जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई इसमें मैं क्या करूं, अगर मेरा मिडिल एलिमेंट x के बराबर हुआ तभी तो मेरे को कुछ सोचना है, जैसे ये आएगा मेरा समझना, यहाँ पे मेरे पास लो है, यहाँ पे हाई है, एक बारी के लिए मिड मेरा बन रहा है 6, लेकिन दिस इज नॉट द फर्स्ट इंडेक्स, 6 इज नॉट द फर्स्ट इंडेक्स दैट आई विल रिटर्न, 6 इज नॉट द फर्स्ट इंडेक्स
नॉट द फर्स्ट इंडेक्स। तो क्या किया जाए, क्या एल्गोरिदम लगाया जाए? हम यहाँ पे बस एक चीज़ चेक करेंगे, अगर मेरा मिडल एलिमेंट देखो x के बराबर है, तो आप यहाँ पे एक ये चीज़ देखो, क्या ऐसा है कि इस 3 से जो जस्ट पहले एक नंबर है, क्या वो भी 3 है? अगर वो 3 है तो 100% ये तो मेरा फर्स्ट अकरेंस नहीं है। क्या पता ये मेरा फर्स्ट अकरेंस हो, वैसे तो ये भी नहीं है, क्या पता पर हो, पर ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसके लेफ्ट में एक भी 3 है तो ये मेरा फर्स्ट अकरेंस नहीं है। तो इसके अंदर मैं कुछ कंडीशंस ये लगा सकता हूँ कि भाई अगर ARR ऑफ मिड माइनस वन अप ये भी 3 के बराबर हो रहा है, तो आप सिंपल एक काम करो, जैसे मान लो ये भी मेरा 3 के बराबर है ये वाला एलिमेंट, तो ये तो हो सकता है फर्स्ट अकरेंस, ये नहीं हो सकता, तो सीधा इस चीज़ को हटा दो, वापस से आप हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, ठीक है, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर ऐसा भी है तो हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, समझना इस बात को, ठीक है। या तो देखो ऐसा होगा कि जो हमें एलिमेंट अगर मिल गया तो उससे लेफ्ट में है वो भी 3 है, या ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए अब देखो हम हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन में आया ना, तो एक तो पहले इसको यहाँ लाते हैं, ठीक है, फिर वापस से अपना मिड को कैलकुलेट करते हैं, मिड हो जाएगा 0 + 5/2 यानी कि 2, ठीक है। अब कोड को आगे एक बार लेके चलते हैं, इसमें दो कंडीशंस होगी इसके अंदर भी, हम मिड का वैल्यू है ये 2x के बराबर है, नहीं, जो 2 है वो x से बड़ा है, नहीं, 2 है वो मेरा 3 से छोटा है, हाँ, तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन, तो लो को लिया इधर, अब देखना कमाल, लो है मेरा 3 पे, हाई है मेरा 5 पे, तो मिड हो गया मेरा 3 + 5/2 4 पे, मिड आ गया मेरा यहाँ पे। अब मैं क्या चेक करूँगा, बहुत ध्यान से सुनना, क्या मेरा मिड x के बराबर है, मिड पे जो एलिमेंट है वहाँ बिल्कुल 3 है मेरा, 3x के बराबर है, यस। तो अब दो कंडीशंस आती है, दो कैसी, वापस से देखो, क्या इससे जस्ट पहले का एक एलिमेंट, क्या इससे जस्ट लेफ्ट पे जो एलिमेंट पड़ा है, क्या वो भी 3 के बराबर है, हाँ, तो वापस से हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, यानी कि यहीं लो पे ही आ गया मैं, ठीक है, हाई मेरा यहाँ लो पे ही आ चुका है, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं यार, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, राइट, हाँ, तो हाई भी मेरा आ गया यार लो पे, मिड माइनस वन, ये चीज़ हो गई। अब ऑफकोर्स उसके अलावा ना ये चलेगा या ना ये चलेगा या नहीं चलेगा, ख़त्म। अब वापस से मिड कैलकुलेट होगा, एक ही कंडीशन चलेगी 4 में से, इसमें 2 है फिर 1 2, ठीक है। अब हमने क्या देखा, वापस से मेरा मिड निकला तो लो और हाई यही वाला चीज़ मिड हो गई। अब देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हम यहाँ आए, मिड पे जो पड़ा है वो 3 के बराबर है, हाँ, हम यहाँ देखो, क्या इससे जो लेफ्ट में एक एलिमेंट है यानी कि ये 2, क्या ये 3 के बराबर है, नहीं। तो ऐसे केस में जब भी मैं इस एलिमेंट पे हूँ जो मेरा मिड के बराबर है लेकिन उससे एक जस्ट लेफ्ट वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट अकरेंस है, तो आप सीधा रिटर्न कर सकते हो फिर उसमें, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, इफ़ नॉट, या तो ये येस है, और अगर नो है तो सिंपल बोल दो येस दिस इज़ द फर्स्ट अकरेंस, येस दिस इज द फर्स्ट अकरेंस। तो देखो कोड ऐसे लिखना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, फटाफट एक काम करते हैं, इसका हम एक बार कोड लिखते हैं अपने कंप्यूटर में और एक बार देख लेते हैं। आई थिंक ये लीड कोड का भी एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन सर्च कर लेते हैं यार थोड़ा सा ना। तो आ जाते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे है फर्स्ट अकरेंस ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे एंड है वैसे, ठीक है, ठीक है यार। तो क्वेश्चन यार कुछ ऐसा दे रखा है, कुछ बेहतर क्वेश्चन है ज़्यादा, इससे पहले एक काम करते हैं हम अपना उसी पे कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, वीएस कोड में फिर ये भी करेंगे, अच्छा क्वेश्चन मिल गया ये मेरे को, ठीक है, सेम ही सा है बस। अब इधर आ जाते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट अकरेंस यानी कि एक सॉर्टेड एरे तो दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, सॉर्टेड एरे तो दे रखा है लेकिन कुछ हो सकता है एरे मेरा ऐसा हो, ठीक है, अपना एरे बना लेता हूँ इज इक्वल टू जो मेरे को दे रखा है वही करते हैं, 1 2 2 1 2 2 फिर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, फिर मैंने 4 ले रखा है 2 बार 1 2, फिर मैंने 5 ले रखा है 1 बार, 8 ले रखा है 1 बार, और कुछ भी लिख सकते हैं वैसे, इनफैक्ट 5 5 9 भी लिख सकता हूँ, मर्जी है, ठीक है। कितना साइज़ है इसका, 13 है, तो साइज़ मेरा 13 हो गया, ठीक है। मान लेते हैं मेरा जो x है वो 3 है, मुझे 3 का फर्स्ट इंडेक्स निकालना है, यानी कि ये आंसर आना चाहिए 0 1 2 3, सच में मेरा 3 ही आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो देखते हैं इस कोड में क्या करेंगे, वही सेम, लो इज इक्वल टू 0, सेम बाइनरी सर्च, हाई इज इक्वल टू n माइनस 1,
फ्लैग व्लैग को हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट अकरेंस मेरा निकलेगा ही, ठीक है, यहाँ पे 100% है, गिवन है कि एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, फ्लैग को रख लेते हैं, सॉरी, क्या पता एलिमेंट ना हो, यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 की जगह 6 लिख दूँ, तो 6 तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमेशा मैं -1 को तो प्रिंट करना चाहूँगा, ठीक है, तो वो काम भी हम कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए 3 को देखते हैं। तो फ्लैग फॉल्स है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा मिडल एलिमेंट निकालूंगा ऑफकोर्स मेरा, अगर मेरा ARR मिड के बराबर आ गया तो मुझे वो एलिमेंट प्रिंट नहीं करना था, ना मुझे ब्रेक करना है। अब मुझे दो चीज़ें देखनी है, अगर तो ऐसा है कि इफ़ ARR ऑफ मिड -1 ये बराबर अगर नहीं है ना, उल्टा देख लेता हूँ, अगर ये x के बराबर नहीं है, इसका मतलब यही मेरा फर्स्ट अकरेंस है, ठीक है, इसका मतलब यही मेरा फर्स्ट अकरेंस है, तो ऐसे केस में मैं सिंपल कह सकता हूँ, सबसे पहले फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, कि भाई मेरे को मिल गया अपना एलिमेंट, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, और मैं सिंपल यहाँ पे सी आउट करा दूंगा वही इंडेक्स, यानी कि ये मिड, यही वाला मेरा वो फर्स्ट अकरेंस वाला इंडेक्स है, एंड मैं ब्रेक भी लगा दूंगा, ठीक है। एट द एंड जाते जाते मैं देख सकता हूँ अगर फ्लैग मेरा फॉल्स हमेशा से है तो वापस से मैं -1 प्रिंट करा दूंगा, यानी कि मेरे पास एलिमेंट नहीं है। अब आगे देखो, एक तो ये हो गया अगर ये नहीं है इसके बराबर, अगर है तो एल्स, मतलब कि अगर पहले से है मेरा बराबर, एल्स में बेसिकली कंडीशन ये है कि जो इससे लेफ्ट वाला एलिमेंट है जो मेरा मिड -1 है वो भी एक्चुअली एक्स के बराबर है, ठीक है, ये तो है ही एक्स के बराबर, ये जो यहाँ से इक्वल मिलेगा ये तो है ही एक्स के बराबर और ये भी एक्स के बराबर, तो इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट अकरेंस नहीं है। और मैं यहाँ पे भी सिंपल लिख दूंगा हाई इज इक्वल टू मिड -1, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, हाई इज इक्वल टू मिड -1, बाकी दो बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। रन करते हैं इस कोड को, तो आप देखना अगर 3 लिखा है ना तो आंसर 3 आएगा, थर्ड इंडेक्स है, ये देखो थर्ड इंडेक्स, अगर मैं 3 की जगह लिख दूँ 2 तो 2 का 0 1 1 आएगा आंसर, 1 1, अगर मैं लिख दूँ 4 तो देखो 4 का आंसर आएगा 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, ठीक है, देखो 8 आ गया। अगर मैं इस 3 की जगह भी 4 लिख दूँ तो आंसर 7 आ जाएगा, 7, ठीक है, अगर मैं इस 3 की जगह भी 4 लिख दूँ तो आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन एरे सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है, तो ये मेरा पूरा एसेंस है इस क्वेश्चन का, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर मैं ऐसा एलिमेंट चूज़ कर लूँ जो है ही नहीं इसमें, यानी कि 6, तो आंसर -1 आएगा, आंसर क्यों नहीं आ रहा है, हाँ -1, ठीक है। अब एक बार लीड कोड पे चलते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं जो थोड़ा बढ़िया लग रहा था मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। तो अब मैंने आपको फर्स्ट चीज़ तो बताई दी, अब इसको आप ये होमवर्क रखो, ठीक है, इसको आप रखो यार होमवर्क, क्योंकि आपके ना एक्चुअली असाइनमेंट के अंदर डिट्टो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे था ना कि फर्स्ट अकरेंस निकालो, असाइनमेंट में डिट्टो सेम क्वेश्चन है लास्ट अकरेंस, वो आप खुद सोचो कि उसमें हमें क्या करना है, उसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो खुद सोचो। एंड इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, सेम क्वेश्चन है, आपको बस एक वेक्टर रिटर्न करना है, वेक्टर का सिंपल मतलब है कि देखो दोनों इंडेसेस रिटर्न करने हैं आपको, जैसे मान लो ये मेरा एरे है, टारगेट 8 है, तो एक तो 0 1 2 3 और 4, तो देखो दोनों इंडेक्स को एक वेक्टर में रिटर्न करके पुश बैक कर देना दो एलिमेंट, कुछ नहीं करना, क्या कहते हैं अपना फर्स्ट अकरेंस लास्ट अकरेंस दोनों के दोनों कर दो और उसको रिटर्न कर दो, ठीक है, ये होमवर्क है आपका, आप इसको खुद करोगे। तो अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, गिवन अ सॉर्टेड एरे, अगेन बाइनरी सर्च लगेगी, गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ नॉन नेगेटिव डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट मिसिंग नॉन नेगेटिव एलिमेंट इन इट, बेसिकली स्मॉलेस्ट मिसिंग काइंड ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट। तो सबसे पहले यार मुझे सॉर्टेड एरे दे रखा है, दूसरा नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5, मतलब नेगेटिव ना हो, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव, ठीक है, और डिस्टिंक्ट दे रखा है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि 0 1 1 2 2 2, मल्टीपल टाइम्स कोई नहीं आ सकता, एक एक बार आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट, कोई भी दो सेम एलिमेंट नहीं। फाइंड द स्मॉलेस्ट मिसिंग नॉन नेगेटिव एलिमेंट इन इट, समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक एरे दे रखा है और एरे कुछ ऐसा है, 0 यहाँ पे लिख दो, 1 फिर लिख दो, 2 फिर लिख दो, 3 फिर लिख दो यहाँ पे, 4 फिर लिख दो, 8 फिर लिख दो, 9 फिर यहाँ पे लिख दो यार अपना 12, ठीक है, तो ये मेरा एरे है जो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हैं सारे, ठीक है, सारे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, अलग अलग है। अब स्मॉलेस्ट मिसिंग नॉन नेगेटिव का मतलब है कि 0 से लेकर शुरू करो, 0 1 2 3 4 5 6, होल नंबर की काउंटिंग करो, जो इसमें प्रेजेंट नहीं है वो हमारा मिसिंग नंबर हो गया, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, तो इसका आंसर है 5,
ठीक है। अब ऑफकोर्स यहाँ पे देखो 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है ऐसे, तो फिर देखो 8, 9, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, तो 5, 6, 7, 10, 11 ये सब मिसिंग एलिमेंट्स हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट इनमें से 5 है जो जस्ट मिसिंग है, ठीक है। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर मैं बात करूँ लीनियर अप्रोच की, इसकी ऑर्डर ऑफ एन में देखो इंडेक्स अगर मैं बोलूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सबसे पहले मैं बोलूँगा वीडियो को पॉज करके इसका खुद से ऑर्डर ऑफ एन वाला सॉल्यूशन, एक तो ये है और ये तो मैं आपको कराऊंगा लॉग एन वाला, तो ऑफकोर्स बाइनरी सर्च से, लीनियर सर्च से करके दिखाओ। आई होप आपने ट्राई किया होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक लाइन का कोड है ये देखिए। आप बस पता है क्या देखो, मैं कोड ही लिख के दिखा देता हूँ आपको, आपको कुछ नहीं करना, आप पूरा लूप चलाओ, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, आपको बस ये देखना है कि भाई अगर मेरा इंडेक्स नॉट इक्वल टू उस इंडेक्स का नंबर है तो रिटर्न कर दो इंडेक्स। इतना छोटा सा मेरा कोड है, ठीक है, ब्रेक कर दो, बेसिकली प्रिंट करा के ब्रेक कर दो या रिटर्न कर दो। जैसे आपने देखा 0, 0 सही है, क्योंकि देखो मिसिंग नंबर यहाँ से पता लग सकते हैं ना मेरे को इंडेक्स से, इंडेक्स भी 0 से शुरू होता है एरे का, कितनी अच्छी बात है। 0, 0 मैं बोलूँगा, 1, 1 2, 2 परफेक्ट, 3, 3 परफेक्ट, 4, 4 परफेक्ट, 5, 8 अरे तो इसका मतलब 5 नहीं है क्योंकि 4, 4 के साथ था, ठीक है, 5 नहीं है इसका मतलब, ठीक है, तो 5 इज़ द स्मॉलेस्ट मिसिंग पॉजिटिव। कितना सिंपल कोड है ना, फटाफट इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं एंड लिखते हैं स्मॉलेस्ट मिसिंग पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, वैसे तो पॉजिटिव है ये, ठीक है, क्या पता 0 ही ना हो हमारे पास। CPP जैसे ये था लास्ट वाला फर्स्ट अकरेंस, तो ये भी काइंड ऑफ फर्स्ट अकरेंस ही है देखा जाए तो, यार आप सच देखा जाए तो, आपको हिंट दे दूंगा, जो ये मेरा फर्स्ट अकरेंस का कोड नहीं था तो काइंड ऑफ वैसा ही है लॉग इन की अप्रोच में। लेकिन सबसे पहले हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को, और मान लेते हैं कि यार मेरा एरे कुछ ऐसा दे रखा है जो मैंने बना रखा है, यानी कि यार 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 8 है, 9 है, 12 है, मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है, मुझे बताना है स्मॉलेस्ट मिसिंग पॉजिटिव। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, कि भाई लूप चला लो फॉर, ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, फिर आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, आपको बस देखना है अगर गलती से आई नहीं हुआ बराबर ARR ऑफ आई के, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक तो करना है सी आउट, उस आई को प्रिंट कर दो, यही वो मेरा नंबर है जो मिसिंग है, और ब्रेक भी लगा दो, ठीक है, साथ ही साथ एक बार एन को रख लेते हैं, एन क्या है मेरा, एन 8 है, ठीक है, बहुत बढ़िया, रन करते हैं, देखो 5 आएगा आंसर, 5, अगर मान लीजिए 5 होता तो आंसर आता 6, 6, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 4, यहाँ पे होता 5, यहाँ पे होता 6, तो आंसर क्या आता, 3, क्योंकि 0, 1, 2, 3 नहीं है। अगर मान लीजिए ये नहीं होता हमारे पास, लो भाई n इज इक्वल टू 7 साइज का आ रहा है 0, ठीक है, लेकिन ये इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ ऑफ n, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में पूरा का पूरा लूप ट्रैवल करना पड़ सकता है वर्स्ट केस में। अब हम इसको ऑप्टिमाइज करके सॉल्व करेंगे ओ बिग ओ ऑफ लॉग n में, ठीक है, बिग ओ ऑफ लॉग n में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से, फटाफट आ जाते हैं यार इसको सॉल्व करते हैं, सेकेंड अप्रोच जो इसकी है, ठीक है, सेकेंड अप्रोच जो कि है मेरी बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च, ठीक है। कई लोगों को लगता है बाइनरी सर्च सिर्फ क्या होता है, एरे के अंदर एलिमेंट को ढूंढना, नहीं, बहुत कुछ होता है, सर्च स्पेस को आधे में रिड्यूस करना। बाइनरी सर्च का देखो मेन मोटिव पता है क्या होता है, ये नहीं होता कि लॉग इन हो रहा है कुछ ऐसा है, बाइनरी सर्च का मेन मोटिव है टू रिड्यूस द सर्च स्पेस इन हाफ आफ्टर वन ऑपरेशन, इसको कहते हैं बहुत ही तगड़ी बात। अब अगर मैं सेम क्वेश्चन को यहाँ पे ले आऊँ, यहाँ पे जो मिसिंग है मेरा बेसिकली 5 आना चाहिए आंसर, सेम क्वेश्चन को ले आऊँ, बाइनरी सर्च से कैसे हो सकता है, ठीक है, बड़े बड़े इनपुट्स के लिए, अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचाने के लिए है, क्योंकि ये पक्का होने वाला है मेरा लॉग एन में, अगर वो एन में हो रहा है तो ये कम में होगा, कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे आप पता है क्या देख सकते हो, यहाँ पे आप हमेशा एक तो एक मिनिमम इंडेक्स नाम की एक चीज़ मार्क करके रखना, ठीक है, मैं करूँगा क्या बड़े गौर से देखना, मैं ऑफकोर्स यहाँ पे अपना लो रखूँगा, कोई डाउट नहीं है इसमें तो, एंड यहाँ पे अपना हाई रखूँगा, एंड वापस से सेम कोड चलने वाला है मेरा, कि भाई जो मेरा मिड होता है वो होता है
लो प्लस हाई माइनस लो बाय टू, सेम वही वाइल लूप लगेगा, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझना यार, कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो कंडीशंस होने वाली है ये तीन, उनमें देखना मैं क्या क्या करने वाला हूँ, वो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, वो मेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब यहाँ पे मैं क्या देखूँगा, सबसे पहले मैंने मिड को बनाया लो प्लस टू, यानी कि जीरो प्लस सेवन बाय टू यानी कि थ्री, तो मिड आ गया इधर। तो मैं पता है यहाँ पे क्या देखूँगा, इंस्टेड की मैं ये देखूँगा कि क्या मिड मेरे टारगेट के बराबर है। टारगेट तो दे ही नहीं रखा, ये तो मेरा आंसर निकल रहा है। ठीक है, हर बार टारगेट नहीं दे रखा होगा, सर्च नहीं कर रहा मैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बस मैं ये देखूँगा, सर्च तो कर रहा हूँ। अब मैं देखूँगा कि जो मेरे को मिडल मिला है यार, क्या वो और अपना इंडेक्स सेम है। अगर सेम है तो इसका मतलब इससे पहले के जितने भी लोग हैं वो भी सेम है। अगर थ्री अपने थ्री इंडेक्स पे है तो ऑब्वियसली पहले वाले उसी इंडेक्स पे होंगे, ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि ये बराबर है तो कोई बात नहीं, तो एक काम करो, लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन। ठीक है, इफ़ यहाँ पे इनफैक्ट तीन कंडीशंस भी नहीं लगेगी हमारी शायद, सिंपल देखो, इफ़ ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू आई इट्सेल्फ, अगर ऐसा है तो भाई लो को आगे ले आओ मिड प्लस वन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ तो आंसर कभी नहीं मिलेगा, यहाँ आंसर नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट। लो इधर आ गया, अब वापस से मिड इज इक्वल टू इसका मिड, तो 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11 बाय टू 5, तो मिड को ले आओ इधर, इधर आ गया 5 पे आ गया, ये लो है, ये हाई है, ये मिड है, तो वापस से ये चीज़ सर्च होगी। अब हमने देखा, या तो ये देखो इसके बराबर होगा या ये इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन दूसरे केस में बहुत ध्यान रखना, अगर मैं लिखता हूँ ना सीधा अब ये, तो गलती होने के चांसेस हैं। अगर अब मैं ये लिखूँ एल्स के केस में, इनफैक्ट एल्स लिख दूंगा तो काम बन जाएगा, या तो आप ये लिख दो या एल्स लिख दो, एक ही बात है, या तो बराबर है या नहीं है। अब हमने देखा कि अब जो मिडल एलिमेंट पे आया 8, वो 5 के बराबर नहीं है, ए आर आर ऑफ 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो क्या मैं ये बोल दूंगा कि फिर मेरा आंसर 5 है, 5 को प्रिंट कर दो, सीधा मैं ये लिख दूँ सी आउट अपना आई और फिर ब्रेक भी लगा दो, गलत गलत हो जाएगा, जबकि इसका आंसर तो 5 है, बिल्कुल ट्रू ट्रू, इस केस में तो चीज़ मेरी ट्रू बैठ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ इस केस में, सिर्फ इस केस में ट्रू है। ठीक है, लेकिन नॉट नेसेसरली ये हमेशा ये बात मेरी सच होगी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मेरा एरे, इस बार हम मान लेते हैं कुछ ऐसा कि भाई एक तो ज़ीरो है, फिर वन है, फिर मान लेते हैं थ्री है मेरा। ठीक है, थ्री के बाद मेरा फोर है, फिर मेरा क्या कहते हैं सिक्स है, ठीक है, फाइव भी मिसिंग है, फिर सेवन एट नाइन टेन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक है, इसको मान लेते हैं एक बार के लिए, ये मेरा एरे है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ज़ीरो वन टू मिसिंग है, थ्री फोर फाइव भी मिसिंग है, सिक्स सेवन एट नाइन टेन है, इनफैक्ट मान लेते हैं ये भी अगर इलेवन होता तो मेरा टेन भी मिसिंग है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट नंबर मिसिंग है वो टू है, मुझे टू आंसर चाहिए। लेकिन अब पंगा देखना होगा क्या, अकॉर्डिंग टू माई ओल्ड कोड जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ये देखता हूँ, मतलब बाइनरी सर्च की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो बाइनरी सर्च में यहाँ पे कंडीशंस पता है क्या लगेगी, वही मेरा मिड होगा, लो लेस देन इक्वल टू हाई पे ही मेरी चीज़ें ब्रेक करेगी, यही मेरा लो है, यही मेरा हाई है, यहाँ पे एक बार के लिए 0 प्लस 8 बाय 2, मिड मेरा इधर आ गया। तो दो कंडीशंस है, या तो मेरा जो ARR का मिड है, या तो जो ARR का मिड है, ठीक है, वो मेरा एक्चुअली में बराबर हो मिड के, मतलब यहाँ पे मैंने आई लिख दिया था ना, सॉरी ये आई बेसिकली मिड है, ठीक है, ये मैंने आई नहीं लिखना, वो इंडेक्स मिड है, तो मिड लिखूँगा, या तो ये मिड के बराबर है, या तो ये मिड के बराबर है, अगर है तो कोई बात नहीं, लिख दो लो इज इक्वल टू हाई प्लस वन, इसमें तो यही करना है हमको, हाई प्लस वन नहीं, नो इज इक्वल टू मिड प्लस वन, दिस इज ऑलवेज ट्रू। जब भी ऐसा हो रहा है कि ये एलिमेंट अपनी सही जगह है, तो इससे लेफ्ट वाले भी सारे सही जगह है, ज़रूरी नहीं है कि राइट वाले सही जगह है, लेकिन मैंने देखा क्या 6 4 के बराबर है, नहीं, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। अब देखते हैं एल्स, एल्स का क्लियरली मतलब है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो 6 और 4 बराबर नहीं है, तो क्या मैं सीधा बोल दूं कि 4 वो मेरा फर्स्ट मिसिंग नंबर है, नहीं, 4 तो है यहाँ पे, 3 भी है यहाँ पे, तो मैं 2 ये कैसे बताऊं कि 2 आएगा, तो एक बारी के लिए यहाँ पे लिखा है ना यार एल्स, तो मैं बस एक छोटा सा काम करूँगा, एल्स में मेरे दो काम होंगे, क्या, एक तो मैं अभी के लिए अपना जो एक एक्चुअल आंसर है, मैं एक आंसर मेंटेन करूँगा ना यार, तो मैं आंसर के अंदर डाल दूंगा अपना ये 4, एक बारी के लिए मैं मान लूँगा,
कि 4 मेरा आंसर है, लेकिन है नहीं, एक्चुअल आंसर मेरा 2 होना चाहिए इस क्वेश्चन का। एक बारी के लिए ये लिख दिया, लेकिन कोड ख़त्म नहीं किया। यहाँ पे मैं ब्रेक नहीं करना, आप सिंपल एक काम करोगे, आपने ये देखा कि ये इसके बराबर है नहीं है, ठीक है, तो मुझे ये पता है या तो 4 मेरा आंसर होगा या इससे पहले आंसर मिलेगा कहीं, ठीक है, या तो 4 वही वो मेरा मिसिंग स्मॉलेस्ट मिसिंग नंबर होगा। देखो 4 के बाद भी मिसिंग नंबर्स तो है यहाँ पे, 4 वैसे नहीं है मिसिंग, लेकिन फिर भी मान सकते हैं हम, या तो इनमें से कोई मिसिंग है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 10 मिसिंग है, जो भी मिसिंग है मेरा, या इससे पहले वाले मिसिंग हो सकते हैं। तो मैं अब पीछे जाऊँगा, यहाँ लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 था ना, अब मैं एक और काम करूँगा, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक है, तो मैं अपने हाई को ले आया यहाँ, समझ रहे हो, और एक बारी के लिए अपने आंसर के अंदर मैंने डाल दिया 4, यहाँ आंसर के अंदर 4 नहीं डालना, आंसर के अंदर अपना मिडल इंडेक्स मिड डालना, ठीक है, ARR ऑफ मिड नहीं, मिड, आई एम कंसर्न अबाउट दिस थिंग, ठीक है, आई एम कंसर्न अबाउट दिस थिंग, नॉट द 6, ठीक है, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, तो मैंने देखा हाई आ गया इधर, फिर वापस से मेरा मिड कैलकुलेट होगा, सेम वही, मिड इज इक्वल टू हाई प्लस लो अपॉन 2, तो 0 प्लस 3 अपॉन 2 यानी कि 1, तो मिड आ गया यहाँ 1 पे, ठीक है भाई। अब चेक हुआ क्या ARR ऑफ मिड मिड के बराबर है, क्या 1 1 के बराबर है, यस, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, तो एक तो मैं देखते जाता हूँ, जो मेरी चीज़ पिछली बार हुई थी ना, जब हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1 था, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा हट गया था मेरा, राइट, अब मेरा आ गया क्या, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, तो लो और उससे पहले वाली चीज़ें मेरी हट गई, इवन मिड वाली भी, क्योंकि मैंने देखा ये और ये, सर्च स्पेस रिड्यूस हो गया क्योंकि लो आ गया मेरा इधर। अब मेरा मिड वापस से कैलकुलेट होगा, लो इधर है, मिड इधर है, तो लो प्लस हाई अपॉन 2, मिड आ गया मेरा इधर, बहुत ही बढ़िया यार, मिड आ गया मेरा इधर। अब मैं चेक करूँगा क्या ARR ऑफ मिड मिड के बराबर है, 2 3 के बराबर है, नहीं, तो एक काम करो, else सबसे पहले आंसर के अंदर डाल दो ये, सबसे पहले इसमें अपडेट करके डाल दो 2, ठीक है, फिर वही काम, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, काम वही हो रहे हैं, यही दो काम हो रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा एक्सेप्शन आ रहा है, तो मैंने लिखा हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, हाई आ गया मिड से पहले, हाई इधर जैसे ही आ गया मेरा, तो लूप टूट गया, क्यों, क्योंकि लो हाई से बड़ा हो गया, लूप टूट गया, और जो एट द एंड आंसर मेरा बचता है वही मेरा आंसर है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, इसको कोड करके दिखाता हूँ आपको, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये तो लीनियर अप्रोच थी, इसको हटाते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, दिस इज़ द लीनियर अप्रोच। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा int low इज इक्वल टू 0, फिर मैं लिखूँगा int high इज इक्वल टू ऑब्वियसली वही सेम n माइनस 1, देखो बाइनरी सर्च मोटा मोटा कोड मेरा सेम ही रहता है, अगेन वापस से वही वाई लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, ये भी हमेशा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे लेकिन मेरी बस दो ही कंडीशन लग रही है, क्या, अगर मेरा ऐसा है कि सबसे पहले तो मिड को कैलकुलेट करो, इंट मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो, ठीक है, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, तो अगर मेरे पास यहाँ पे अब दो कंडीशन है बस, ये नहीं है कि ARR इसके बराबर है, अगर ARR ऑफ मिड इक्वल टू मिड हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसी चीज़ मेरी हो रही है तो कोई बात नहीं, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, आगे चेक करो, अभी आपको कोई भी ऐसा मिसिंग नहीं मिला है, सब कुछ ठीक है। else में आपको दो काम करने हैं, सबसे पहले अपने आंसर के अंदर वो मिड डाल दो और फिर हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक है, कंडीशन दो ही होती है, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, बस ये चीज़ आ गई। एक बारी के लिए अपना इंट आंसर बना देते हैं, माइनस 1 दे देते हैं उसको, ठीक है, आंसर को दे देते हैं माइनस 1, एंड माइनस 1 मेरा कब आंसर आएगा, जब मेरे पास कोई भी मिसिंग नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई मिसिंग नंबर हो ही ना, सारे एलिमेंट्स ठीक हो, तो मैं माइनस 1 प्रिंट करा दूँगा, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे इसका मेरा मिसिंग नंबर क्या है, यहाँ पे 1 2 3 मिसिंग है, तो एक बार वो प्रिंट हो जाएगा मेरा, इसका मतलब लास्ट में मेरे को करना है सी आउट आंसर 3 हो जाएगा आंसर, देखो 0 आ गया आंसर, पता नहीं 0 क्यों आया, वापस देखते हैं, अच्छा 0 ही तो है, सही तो है, 0 से लेकर नंबर थे ना यार, तो 0 तो नहीं है ना यहाँ पे, तो सही है बिल्कुल, यहाँ पे एक डाल देते हैं 0, ठीक है, अब देखते हैं 3 आंसर आएगा, ये देखिए 3 मेरा स्मॉलेस्ट मिसिंग है, बिल्कुल सही चल रहा था वो, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 3, तो 2 मेरा मिसिंग नंबर हो गया, ये देखो 2, ठीक है, तो दिस इज़ मच बेटर, दिस इज़ मच बेटर। और अगर मान लेते हैं कोई नंबर मिसिंग है ही नहीं, तो 0 1 2, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ 3, फिर 4 5 6, फिर यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ 7 और 8, ठीक है, साइज़ है मेरा 9, तो अब देखो रन करता हूँ, माइनस 1, मतलब कुछ भी मिसिंग नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार, जिसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये एक ऐसी चीज़ है
ऐसी चीज़ है जिससे ये पता लगता है हमें कि बाइनरी सर्च हमेशा सिर्फ इंडेसेस पे नहीं लग रहा। अभी तक हम बाइनरी सर्च को बड़े ध्यान से समझना, मैं लो को एक इंडेक्स पे रख रहा हूँ, हाई को एक इंडेक्स पे रख रहा हूँ, और मैं हमेशा मेरे पास एक एरे है, एक तो एरे होता है, यहाँ पे मैं इंडेसेस पे लो हाई मिड रखता हूँ। अब मेरे पास कोई एरे नहीं है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी सिंपल, मुझे एक नंबर एक्स दे रखा है और मुझे उसका स्क्वायर रूट निकाल के देना है, ठीक है। मेरे को फंक्शन में ऐसा दे रखा है, फंक्शन इंट स्क्वायर रूट, बहुत सिंपल इंट, ठीक है, मान लेते हैं एस क्यू आर टी नाम से ही है, वैसे तो ये बिल्ट इन फंक्शन होता है, और आपको इसके अंदर दे रखा है इंट एक्स, आपको एक नंबर दे रखा है, आपको बस इसका रिटर्न करना है स्क्वायर रूट। तो एक तो डायरेक्ट आंसर होता है कि आप ये लिख दो एस क्यू आर टी एक्स, रिटर्न ऐसे कर दो, वो नहीं करना आपको, बाइनरी सर्च से आपको निकालना है स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे? एक्चुअली मैं आपको ना स्क्वायर रूट लीनियर सर्च से निकाल के दिखा चुका हूँ, मैं वापस से नहीं बताऊँगा। मान लीजिए मेरा एक्स की वैल्यू है 9, तो मैं क्या करूँगा, 1 से लेकर 9 तक नंबर्स को चलाऊंगा और चेक करूँगा क्या 1 इंटू 1 9 हो रहा है, क्या 2 इंटू 2 9 हो रहा है, क्या 3 इंटू 3 9 हो रहा है, येस डन, ठीक है। ये चीज़ मैं करके आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, और प्रिसीजन के साथ भी दिखाई थी। लेकिन अब मेरे को बाइनरी सर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे करेंगे यार, बड़ी अजीब सी बात है यार, कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। मान लेते हैं एक्स मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, वैसे इसमें हो सकता है कि एक्स मेरे को ये भी दे रखा हो, अगर मेरे को एक्स दे रखा हो ना 30, तो मेरा आंसर आना चाहिए 5, बेसिकली 30 का 5 पॉइंट समथिंग होगा ना आंसर, 30 लाइज बिटवीन 25 एंड 36, इसका स्क्वायर रूट होता है 5, इसका स्क्वायर रूट होता है 6, तो मुझे बेसिकली ये ला के देना है लोअर वाला जो नंबर है, अगर बीच में मैं आ रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज अगर मैं कहूँ कि मेरा एक्स मुझे प्रॉपर दे रखा है और मैं कहता हूँ 64 ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं, तो मुझे 6 रिटर्न करना है इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्या मैं हर नंबर को चेक करूँगा? नहीं, अगेन अब मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा। कैसे? यहाँ पे आ रहे तो दे ही नहीं रखा, कोई बात नहीं, आप सबसे पहले लिखो इंट लो इज इक्वल टू 1, क्योंकि बड़ी ऑब्वियस सी बात है मेरी यहाँ पे, ऑफ कोर्स अगर 0 मिल रहा है तो उसका आंसर आप 0 रिटर्न कर सकते हो, 1 मिल रहा है उसका आंसर भी 1 रिटर्न कर सकते हो सीधा, लेकिन बड़ी ऑब्वियस सी बात है अगर मेरा ये 36 है, 0 से भी शुरू कर सकते हो, इनफैक्ट सारा काम हो जाएगा, कई बार हो सकता है आपको एक्स 0 दे रखा हो, तो आप लो को 0 रखो और आप हाई को पता है क्या रखो, इंट हाई इज इक्वल टू 36 ही रखो, 35 नहीं 36 ही रखो, क्या पता 36 का स्क्वायर रूट 36 होता, फॉर एग्जांपल 1 अगर होता तो, ठीक है। तो लो 0, हाई मैंने यहाँ पे 1 रखा, ठीक है, जो भी मुझे एक्स नंबर दे रखा है वो। और मुझे अगेन बाइनरी सर्च लगानी है, बड़ी सिंपल, वही वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना मिड कैलकुलेट करना है, आप सब जानते हो कैसे करते हैं, खुद कर लेना। अब आपको कंडीशंस देखो ये लगानी है, अगर जो मेरा मिड है, जो कि नंबर है, अगर मिड मल्टीप्लाइड बाय मिड इक्वल टू जो मेरे को नंबर एक्स दे रखा है, तो यही मेरा वो स्क्वायर रूट है, ठीक है, यही वो मेरा रिटर्न मिड, यही मेरा स्क्वायर रूट है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा हो रहा है कि मिड इंटू मिड कंडीशन अलग है, एक्स से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है बताता हूँ, यहाँ देखते हैं। मान लेते हैं मैंने 0 लिया, मैंने 36 लिया, तो एक बारी के लिए मेरा मिड कितना बना, 36 प्लस 0 अपॉन टू 18, तो मैंने चेक किया क्या 18 इसका स्क्वायर रूट हो सकता है 36 का। कैसे चेक करते हैं कोई नंबर स्क्वायर रूट है या फिर नहीं, अगर उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं देखूंगा क्या 18 इंटू 18 ज़्यादा हो रहा है 36 से, बहुत ज़्यादा है, 324 होता है, ये तो इससे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब 18 से छोटा नंबर होना चाहिए कोई, तो मैं लिख दूंगा हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक है। अब मेरा हाई बन जाएगा मेरा 17, और फिर मैं वापस से 17 प्लस 0.2 लो मैं अपना निकालूंगा, ठीक है, हाई हो गया मेरा मिड माइनस 1, तो ये हो गया 17। अब वापस से मेरा मिड कैलकुलेट हुआ, लो प्लस हाई अपॉइंट 2, तो 17 अपॉइंट 2 मेरे को दे देगा आंसर 8, ठीक है। अब चेक हुआ क्या 8 इंटू 8 बराबर है 36 के, नहीं, क्या जो 8 इंटू 8 है वो ज़्यादा है 36 से, हाँ 64 इज़ ज़्यादा, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, तो हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, तो हाई हो गया 7। अब वापस से मेरा मिड कैलकुलेट हुआ, 7 प्लस 0 अपॉइंट 2 यानी कि 3, मिड बन गया मेरा 3, राइट। अब चेक हुआ क्या 3 इंटू 3 बराबर है 36 के, नहीं, क्या 3 इंटू 3 ग्रेटर है 36 से, नहीं, तीसरी कंडीशन ये हो सकती थी, क्या मेरा मिड इंटू मिड छोटा है एक्स से, बिल्कुल छोटा हो सकता है, तो ये छोटा है, 3 इंटू 3 9 होता है, वो 36 से छोटा है, तो इसका मतलब लो इज़ इक्वल टू मिड प्लस 1, समझ रहे हो बाइनरी सर्च के यूज़ केसेस, देखो यार लो की वैल्यू बढ़ा दी मैंने, 4 कर दी मिड प्लस 1।
अब वापस से मेरा मिड कैलकुलेट हुआ, लो प्लस हाई बाय टू, तो 4 + 7/2 यानी कि 11/2 यानी कि 5, तो मिडल एलिमेंट बन गया मेरा 5। चेक हुआ 5 × 5 36 के बराबर होता है? नहीं। 5 × 5 36 से ज़्यादा होता है? नहीं। 5 × 5 25 36 से छोटा होता है? हाँ। लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, तो लो है मेरा 4, मिड है मेरा 5, तो 5 + 1 6, लो हो गया मेरा 6, सिंपल। अब वापस से मेरा मिड कैलकुलेट हुआ, 6 + 7 हाई प्लस लो अपॉन 2 यानी कि 13/2 यानी कि 6, तो मिड मेरा बन गया 6। अब चेक हुआ क्या मेरा 6 × 6 36 के बराबर है? यस, रिटर्न कर दो मिड, ख़त्म। ठीक है, ख़त्म। तो ये कोड है मेरा, कितना ज़्यादा सिंपल नहीं है? आंसर भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब बात करते हैं किसी दूसरे केस के लिए, कि अगर ऐसा हो रहा है कि मेरे को गिवन नंबर, मेरा जो एक्स है वो मुझे दे रखा है कुछ अजीब सा नंबर, मान लेते हैं 20। 20 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, 20 से छोटा 16 होता है, तो मेरा इसका आंसर आना चाहिए 4। मुझे 4 निकालना है, बेसिकली 24 पॉइंट समथिंग है ना, तो मुझे 4 बता देना है उसका आंसर, सिंपल। कैसे करेंगे? अगेन, सबसे पहले आप ऐसे रखो इंट, आप इसको ऐसे समझो बेसिकली, ठीक है, आपने नंबर्स लिख दिए 0 से लेकर 20 तक, 4, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये एरे नहीं है, ये बस नंबर्स है। अब मैंने क्या किया, लो को रखा 0 पे, हाई इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले क्या हुआ, मिड कैलकुलेट हुआ, लो अप लो प्लस हाई अपॉन 2 यानी कि 10 पे आ जाएगा मिड, मिड आ गया यहाँ। तो चेक हुआ, चेक होने की 3 ही कंडीशन है, क्या 3 ही कंडीशन है, ठीक है। अगर मेरा मिड इंटू मिड, ठीक है, अगर मेरा मिड इंटू मिड, अगर मेरा मिड का स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे में अगर मेरा मिड का स्क्वायर एक्चुअली में इक्वल आ रहा है अपने एक्स के बराबर, तो ठीक है, सही है, वही चीज़ थी। अगर मिड का स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स आ रहा है, जैसे यहाँ पे आते हैं 10 का स्क्वायर 100 इज़ ग्रेटर देन द 20, ठीक है, तो इसका मतलब 10 तो मेरा स्क्वायर रूट नहीं है इस, और 10 के आगे जितने भी नंबर है वो भी मेरे स्क्वायर रूट नहीं है, तो हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, हाई आ गया मेरा इधर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हाई, इस केस में हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, एंड ऑब्वियसली अगर मेरा मिड का स्क्वायर लेस देन एक्स है तो मैं लिखूँगा लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। आगे देखते हैं, चलिए, अब मेरा हाई इधर आ गया, तो वापस से पहले तो मिड कैलकुलेट हुआ, तो 0 + 9 यानी कि 9 / 2 कितना होता है 4.5, तो 4 मिड इधर आ गया। क्या 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 है, तो क्या वो एक्स स्क्वायर, मिड का स्क्वायर एक्स के बराबर है? नहीं। क्या जो 16 है वो ग्रेटर देन 20 है? नहीं। क्या जो 16 है वो लेस देन 20 है? हाँ। तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, यानी कि लो को लियाओ इधर, इनमें से कोई भी नंबर नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग जिसका स्क्वायर उसके बराबर है, लेकिन समझना हमें करना क्या है, ठीक है, इधर आ गया। अब वापस से मिड कैलकुलेट होगा, ठीक है, ये काम हो गए, तो 5 + 9 14/2 7, तो मिड आ गया 7 पे। तो चेक हुआ क्या 7 का स्क्वायर 20 के बराबर है? नहीं। 7 का स्क्वायर 20 से ज़्यादा है? हाँ। तो हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, 7 का स्क्वायर 20 से ज़्यादा है तो ये बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, हाई को ले आओ इधर मिड माइनस 1। अब मिड वापस से कैलकुलेट होगा, ये है 5, ये है 6, 5 + 6 11/2 5, तो मिड भी आ गया मेरा इधर, लो पे ही आ गया। वापस चेक हुआ क्या जो 5 का स्क्वायर है वो मेरा 20 से बराबर है? नहीं। ज़्यादा है? हाँ। तो हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, तो हाई आ गया मेरा इधर, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नहीं हो सकता, तो ये भी बेसिकली रेड हो गए बाद में, ठीक है, ये चीज़ें नहीं हो सकती। अब मेरा लूप टूट गया, लूप टूट गया। अगर लूप टूट रहा है तो ये कभी मेरा आंसर आ नहीं रहा है, तो लूप टूट गया तो आप सिंपल बेसिकली लोअर बाउंड आपने पढ़ लिया था ना यार, उसी को रिटर्न कर दो। अब हाई मेरा इधर आ चुका है ऐसे नंबर पे जिसका स्क्वायर डेफिनेटली 20 के बराबर तो नहीं लेकिन जस्ट उससे कम होगा, वो वाला वो नंबर होगा जो मुझे चाहिए, ठीक है, तो ये मुझे रिटर्न करना है, वेरी वेरी सिंपल। फटाफट यार इसका कोड करके देखते हैं, आ जाते हैं अपने लीट कोड पे, इधर आइए, लीट कोड का 69 नंबर है ये, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रॉब्लम लिस्ट, लीट कोड पे आप या तो बाइनरी सर्च लिख दो या यहाँ पे सॉरी स्क्वायर रूट एक्स लिख दो, SQRT आ जाएगा, आ जा ये रहा, ठीक है। तो देखो वैसे इन्होंने पता है क्या लिखा है, मेरे को एक नॉन नेगेटिव नंबर दे रखा है, 0 भी हो सकता है, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब अगेन जैसे 20 है, 20 का रूट 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो उसको
राउंड ऑफ कर लो, नियरेस्ट मतलब पहले वाले में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है यार, द रिटर्न इंटीजर शुड बी नॉन नेगेटिव, ऑफकोर्स यू मस्ट नॉट यूज एनी बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन का मतलब ये है कि ये सब मत करो, ठीक है, सी प्लस प्लस में ये ना करो, पाइथन में ये ना करो। जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको रिटर्न करना है तो आप अगर सीधा लिखते हो रिटर्न एस क्यू आर टी ऑफ एक्स, कोड खत्म हो जाएगा लाइन। कोड बिल्कुल सही चलेगा कि देखिए कोड चल जाएगा आपका, चल गया। लेकिन ये चीटिंग है, आपको ऐसे नहीं करना। आपसे इंटरव्यूअर अगर ये पूछेगा तो भाई वो आपको सीधा रिजेक्ट कर देगा अगर आप ऐसी हरकतें करोगे ना, ठीक है। तो ये नहीं करना, ठीक है, इसको हटाते हैं। अगेन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है इंट लो, जीरो से शुरू करते हैं, क्या पता मेरा नंबर जीरो ही निकले, ठीक है। इसलिए इंट हाई, इसको x बनाना है, x माइनस वन नहीं, वही नंबर इटसेल्फ, क्योंकि हो सकता है x की वैल्यू वन हो, वन का रूट तो वन से ही शुरू होगा ना यार। अब मुझे अगेन लिखना है वाइल, जब तक लो लेस देन इक्वल टू मेरा हाई है, तो सेम वही काम करने हैं यार, वही घिसे पिटे काम, सेम टू सेम, ठीक है। इंट मिड इज इक्वल टू, अब तक तो आपको याद हो चुका होगा, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। आपको देखना है क्या ऐसा है, बस यहाँ पे ए आर आर ऑफ मिड नहीं देखना, क्या ये जो नंबर है अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये बराबर हो जाएगा एक्स के, अगर हो जाएगा तो ठीक है, इसी नंबर को रिटर्न कर दो, ये सही आंसर है बिल्कुल। या फिर else if जो मेरा नंबर है अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ वो ज़्यादा है एक्स से, ठीक है, मान लीजिए 10 आ गया, वो ज़्यादा हो रहा है, तो हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, और एल्स में लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन, वही सेम काम, कोई फ़र्क ही नहीं है, देखो यार एक तरीके से वही है। जब अगर ये नहीं चलता मान लो, तो मैं क्या कह रहा था, लास्ट में रिटर्न सीधा अपना हाई रिटर्न कर दो, ठीक है। इधर देखिए, जब कुछ नहीं चला था तो हाई मेरा 4 पे आ गया था, तो मेरे को वही रिटर्न करना है, ठीक है। रन करते हैं इस कोड को, सबसे पहले तो रन चल जाएगा, सबमिट पे नहीं चलेगा लेकिन रन पे चल जाएगा, देखो एक्सेप्टेड, जब x 4 था तो चल गया, केस 2 x 8 था, 8 का स्क्वायर रूट था 2.8, देखो 2 आ गया पर आंसर, बिल्कुल सही है। अब सबमिट करते हैं, देखते हैं कहाँ अटकता है, कहीं ना कहीं तो अटकेगा, बड़ा नंबर आएगा कोई, ये देखो आ गया। तो देखो रन टाइम एरर आ रहा है, सिर्फ 14 टेस्ट केसेस चले, क्यों? तो ये देखो, अच्छा साइंड इंटीजर ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब होता है इंटीजर ओवरफ्लो का मतलब, ये देखो 107, इतना बड़ा नंबर, ये मेरा मिड आ गया था, क्या पता जो मेरा एक्स था ना वो बहुत बड़ा नंबर मिल गया था इस मेरे को, तो मिड मेरा ये आ गया था, ये नंबर मेरा मिड आ गया मान लो। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली, वो लॉन्ग में स्टोर होगा। वो कहाँ होगा यार, मेरा लॉन्ग में स्टोर होने वाला है वो नंबर। तो फॉर दैट रीज़न, लॉन्ग में स्टोर होने के लिए हम इसको सिंपल चेंज कर सकते हैं, कैसे, ये देखिए आप, या तो सिंपल ये कर सकते हो, लॉन्ग के कंपैरिजन रख लो, यहाँ पे लिख दो लॉन्ग लॉन्ग, टाइप कास्ट कर दो इसको, क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ये इंटीजर से बाहर जा रहा है, ये जो नंबर है जब मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीजर से बाहर जा रहा है, एंड इनफैक्ट ये, क्योंकि इसको भी लॉन्ग लॉन्ग लिखो, क्यों, भले ही ये मेरा इंटीजर से बाहर नहीं जाएगा लेकिन कंपैरिजन लॉन्ग लॉन्ग में ही होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे को सेम काम करना है, आ जाते हैं कॉपी, कहीं इधर भी गलती हो जाए, ये देखो पेस्ट, और एक्स की जगह मेरे को बस लिखना है लॉन्ग लॉन्ग एक्स, ठीक है, समझना, एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ लॉन्ग लॉन्ग एक्स, मिड की जगह ये लॉन्ग लॉन्ग लिख रहा हूँ। अब रन करते हैं, अच्छा अभी भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसको पता है आप ऐसे सॉल्व करना, ये मेरे को लग रहा था चल जाएगा, थोड़ा गंदे तरीके से सॉल्व होगा, बट ये देखो क्योंकि मेरा मिड, अब मैं क्या करूँगा इसको एक लॉन्ग बना दूंगा, मतलब एक तो मैं अपने मिड को भी लॉन्ग बना दूंगा। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम दूसरा नंबर निकाल के रख लेते हैं, यहाँ पे हम दूसरा नंबर निकाल के रख लेते हैं, इंट एम इज इक्वल टू, मिड तो आ गया मेरा लेकिन एम इज इक्वल टू लॉन्ग लॉन्ग ऑफ मिड, सेम नंबर है लेकिन मैं उसको बड़े डब्बे में स्टोर करके रख रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये काम हो गया ताकि ये लॉन्ग लॉन्ग में रहे, और हम अब m को कंपेयर करेंगे क्योंकि m भी मेरा मिड है, ठीक है। m को मैं x से कंपेयर करूँगा, इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ int x x या y रख लेता हूँ, जिसकी वैल्यू अभी के लिए ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। int नहीं, ये भी लॉन्ग लॉन्ग है, सॉरी तभी तो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग m। सिमिलरली मैं हमेशा निकाल लूँगा एक लॉन्ग लॉन्ग y इज इक्वल टू टाइप कास्ट ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, x। अब हमेशा y के साथ कंपेयर करो, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सबमिट करते हैं, अब मतलब ही नहीं बनता दिक्कत आने का। एक्सेप्टेड, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या थी, एक बार आपको समझा देता हूँ कहीं आपको दिक्कत लगे। बेसिकली यार हो क्या रहा था, मिड इनटू मिड एक बहुत बड़ा नंबर बन रहा था, तो इसलिए मैं
मिड को क्या कर रहा हूँ, एक एम नंबर ले रहा हूँ जो मिड ही है, लेकिन उसको एक बड़े डब्बे में स्टोर कर रहा हूँ। सिमिलरली अपने एक्स को भी एक बड़े डब्बे में स्टोर कर रहा हूँ ताकि मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर पाऊँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आज के लेक्चर के लिए यार इतना ही था। स्क्वायर रूट हमने कर लिया है। प्लीज़ इसका असाइनमेंट भी सॉल्व करना, मैं ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन असाइनमेंट में ऑलमोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो एक और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जैसा ही लीट कोड का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। अब जैसे यहाँ पे ये है हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर वाला, तो बिल्कुल ऐसा सही एक क्वेश्चन है इसी टाइप का। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास ये था, क्या कहते हैं, फर्स्ट अकरेंस, तो आपके होमवर्क में है लास्ट अकरेंस। एंड जो मैंने आपको अभी होमवर्क दिया, बैक जाके देखो, लीट कोड का एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने हटाया तो नहीं है, देखता हूँ, हटा दिया मैंने वो, कोई बात नहीं, तो वो आपको जाके देखना है। ठीक है, तो यार आज के वीडियो के लिए तो इतना ही था। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा आज। बाय।